दामनी दामनी उन्नीस सौ तिरानवे की राजकुमार संतोषी की हिंदी भाषा की फिल्म है इसके मुख्य भूमिका में मीनाक्षी शिशादी और साथ में ऋषि कपूर सन्नी देओल और अमरीश पुरी हैं फिल्म की कहानी है कि एक महिला न्याय के लिए समाज के खिलाफ ऐसे लड़ती है आमिर खान की एक गीत में विशेष उपस्थिति है यह है फिल्म जारी होने पर सफल रही थी और इसे सबसे अच्छी महिला प्रधान फिल्मों में भी माना जाता है सनी देओल के अभिनय की अपार प्रशंसा हुई है उस उनके संवाद यादगार रहे हैं इस फिल्म के अधिकार अब रेड चिली एंटरटेनमेंट की स्वात्य में है इस फिल्म के निर्देशक राजकुमार संतोषी निर्माता है अली मोरना करीम मोरानी बंटी सूरमा इस फिल्म के लेखक हैं दिलीप शुक्ला और इस फिल्म के जो मुख्य अभिनेता हैं वो हैं मीनाक्षी शिशा, शिशाद्री सनी देओल ऋषि कपूर कुलभूषण खरबंदामेशपुरी अनजान श्रीवास्ताव संगीतकार हैं नदीम शर्वन और प्रदर्शन तिथि तीस अप्रैल उन्नीस सौ तिरानवे है यह फिल्म हिंदी भाषा की अपने देश भारत की फिल्म है इस फिल्म का संजीव में वर्णन इस प्रकार है जब अमीर श्री गुप्ता जी का पुत्र शेखर एक छोटे से पहाड़ी शहर में रहता है तो उसे दामनी की सुंदरता और नृत्य मोह लेती है जब वह उससे मिलने जाता है तो वह फैसला करता है कि वह उससे ही शादी करने जा रहा है शेखर अपने पिता आ, को उसके मास्टर पिता चंद्रकांत से मिलने के लिए आ, लाता है श्री गुप्ता दामनी की सरलता और सुंदरता ईमानदारी से प्रभावित हैं और वे शेखर और दामनी के विवाह की मंजूरी देते हैं धूमधाम समारोह में दोनों की शादी मनाई जाती है फिर दामनी शेखर की हवेली जैसे घर में पहुँचती है जहाँ उसे पता चलता है कि शेखर की माँ सुमित्रा अपने बेटे की अमीर श्री बजाज से बजाज की बेटी से शादी करना चाहती थी फिर एक दिन दामिनी शेखर के छोटे भाई राकेश को नौकरानी से छेड़छाड़ करते हुए देखती है और उसे इस बारे में शेखर को सूचित करने के, के लिए जाती है यौन हमले को रोकने के लिए शेखर दौड़ता है लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है उस पिका राकेश और उसके तीन मित्र नौकरानी के साथ बलात्कार आ, करते हैं और जो बेहोश होता हो जाती है जब गुप्ता परिवार यह घटना को छुपाने का षडयंत्र करता है लेकिन दामनी इस घटना को अपने दिमाग से बाहर करने में असमर्थ है और आखिर में पुलिस को सूचित करने का फैसला करती है तुरंत गुप्ता परिवार द्वारा उसे बहिष्कृत किया जाता है और घर छोड़ने के लिए कहा जाता है पुलिस राकेश और उसके तीन दोस्तों को गिरफ्तार करती है और मामला अदालत में उठाया जाता है दामनी को गवाही देने के लिए कहा जाता है आ, कहा जाता है उसको गुप्ता परिवार के वकील इंद्रजीत चड्ढा द्वारा मानसिक रूप से अस्थिर व्यक्ति के रूप में चित्रित किया जाता है जिसमें गुप्ता परिवार के लोगों के साथ उसके पिता भी गवाही देते हैं कि दामनी की मानसिक संस्था के न्यायिक आदेश से दो हफ्तों तक रखा जाता है संस्था ने उसे मानसिक यातना दी जाती है और वह वहाँ से भागने में सफल होती है वह गोविंद नाम के शराबी वकील से मिलती हैं उसके बलात्कार का मामला फिर से खुलवाया तब नौकरानी अस्पताल में मर जाती है और पुलिस आत्महत्या के रूप में उसकी मृत्यु को लिखती है लेकिन गोविंद अनिस्थय साबित करने में सक्षम है दा। दामनी के लिए अंतिम परीक्षण के रूप में एकमात्र व्यक्ति जो उसका सही स्थान बहाल कर सकता है वो शेखर है लेकिन वह शेखर अपने परिवार के खिलाफ खड़ा हो जाता है वो दामनी के पक्ष में गवाही दे सकता है और उसके छोटे भाई को जेल जेल हो सकती है मुख्य कलाकार मीनाक्षी शोशाद्री दामनी गुप्ता ऋषि कपूर शेखर गुप्ता सनी देओल और गोविंद अमरीशपुरी वकील इंद्रजीत चड्ढा कुलभूषण खरबंदा शेखर के पिता रोहिणी हंटगड़ी शेखर की माता टिन्नू आनंद शेखर के मामा सुलभा आर्य शेखर की आ, मामी अंजाम श्रीवास्तव दामनी के पिता विजेंद्र घटके इंस्पेक्टर कदम परेश रावल श्री बजाज अविशु खोटे महेश वीरेंद्र सक्सेना वकील आमिर खान गीत दिन सान साजन झूला में संगीत सभी गीत शमी द्वारा लिखित सारा संगीत नदीम शिवुन द्वारा सूचित है इसके मुख्य शीर्षक बिन साजन झूला झूलू कुमार सानू साधना सरगम जिसकी अवधि छः मिनट सत्रह सेकंड है गवाह है चांद तारे गवाह हैं कुमार सानू, अलका अल्कायाग्निक छः मिनट उन्नीस सेकंड कागा तो उड़ गया अल्कायाग्निक पाँच मिनट सत्रह सेकंड जब से तुमको देखा है कुमार सानू साधना सरगम पाँच मिनट चौदह सेकंड सच्चा आशिक है तो कुमार सानू, अलका याग्निक आठ मिनट पच्चीस सेकंड तांडव वाद देगी दो तो मिनट इक्कीस सेकंड परिणाम दामिनी घायल और घातक के साथ देओल मीनाक्षी और, और राजकुमार संतोषी की सफल फिल्मों में गिनी जाती है इस फिल्म में मीनाक्षी शेषाद्री को कभी कमार दामिनी भी कहा जाता है दामांकरण पुरस्कार 1974 फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार राजकुमार संतोषी और उन्नीस सौ चौहत्तर सर्वश्रेष्ठ शाहक अभिनेता पुरस्कार सनी देओल राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार उन्नीस सौ चौहत्तर सर्वश्रेष्ठ शाहक अभिनेता के रूप में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सनी देओल है जब फिल्म जबरदस्त के सूट पर पूरी यूनिट के सामने आमिर पर महक गए थे अमरीशपुरी बाद में मांगना मांगनी पड़ी थी माफी लेकिन भास्कर बाईसू मूल सत्रह जुलाई उन्नीस दो हजार अठारह को पुराले की तभी गुनती थी सत्रह जुलाई सन दो हजार अठारह दामनी के को स्टार इसकी मुख्य भूमिका निभाने वाली मीनाक्षी शेषाद्री एक भारतीय अभिनेत्री है श्रीमती शेषाद्री का वर्तमान झारखंड प्रांत के सिंदरी नामक शहर में तेरह नवंबर उन्नीस तिरसठ को हुआ था वैसे मीनाक्षी की मूलतः तमिलनाडु से है परंतु उनके पिता सिंदरी के उर्वरक कारखाने में कार्यरत होने के कारण उनका परिवार इसी शहर में बस गया तो उनके पति का नाम मेशोर है मीनाक्षी ने सन उन्नीस में मिस इंडिया बनने के बाद उनके फिल्मी कैरियर की के शुरुआत पहली बार नायिका के तौर पर उन्नीस की हिंदी फिल्म पेंटर बाबू में हुई उनकी फिल्में मुख्य फिर इस प्रकार है दो राहे घातक ड्यूट दामनी दाम आदमी खिलौना है बड़ी बहन साधना हमला आपात बंडसू हम आज का गुंडा राज पुलिस और मुस्लिम ब्रह्मा ऋषि विश्वामित्र घर परिवार अकेला घायल घर हो तो ऐसा शानदार आवारगी अम्बाजुम प्यार का कर्ज सच्चे का बोलबुला तूफान महादेव जो सिले आग के आग से खेलेंगे बड़े घर की बेटी घराना मोहब्बत का पैगाम नाचे नागिन गली गली तेरी पायल मेरे गीत सहनसा बीस साल बाद मैं तेरे लिए गंगा जमुना सरस्वती विजय इंतकाम औरत तेरी यही कहानी मुकद्दर का फैसला डकैत परिवार इनाम दस हज़ार दहलीज दिलवाला अल्लाह रखा मैं बलवान बेटी रिकी स्वाति आवारा बाप मेरा घर Uh, मेरा घर मेरे बच्चे सत्यमेव जयते मेरी जंग आंधी तूफान लवर बॉय महाशक्तिमान बेवफाई महागुरु मेरा जवाब होशियार पैसा ये पैसा लव मैरिज हीरो पेंटर बाबू दो गुलाब मीनाक्षी शशिधारी हिंदी uh, हिंदी फिल्मों द्वारा जाने जाने वाली एक वह अभिनेत्री है जिसने हिंदी भाषा की फिल्मों में बहुत सी फिल्मों में काम किया है uh, मीनाक्षी शशिधारी की सनी देओल के साथ आ, सनी देओल के साथ लगभग तीन सुपरहिट फिल्में हैं जो कि बॉक्स ऑफिस पर जिन्होंने काफ़ी धमाल मचाया है शनि देओल अजय सिंह देओल फिल्म 19 अक्टूबर 1956 फिल्म फिल्में सनी देओल के नाम से ही जाना जाता है जो एक भारतीय फिल्म अभिनेता निर्देशक निर्माता और राजनेता है जाट परिवार में जन्मे वर्तमान में पंजाब के गुरदासपुर में लोकसभा सांसद हैं जिन्हें हिंदी सिनेमा में उनके काम के लिए जाना जाता है पैंतीस साल और सौ से अधिक फिल्मों में एक फिल्मी कैरियर में सन आ, शन्नी ने अपनी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और दो फिल्मी, फिल्म पुरस्कार जीते हैं चुनाव क्षेत्र गुरदासपुर जन्म उन्नीस अक्टूबर उन्नीस सौ छप्पनवे पैंसठ साल सहने वाला पंजाब भारत जन्म का जन्म का नाम अजय सिंह देओल नागरिकता भारतीय राष्ट्रीय या भारतीय राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी जीवन साथी पूजा देओल बच्चे दो निवास मुंबई महाराष्ट्र भारत व्यवसाय अभिनेता राजनेता निर्देशक उन्होंने अपना डेब्ल्यू अमृता सिंह के साथ बेताब फिल्मे किया उनका प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म पे पुरस्कार मिला उसके बाद उन्होंने 1980 उन्हों और 1990 के दशक में कई सफल फिल्मों में अभिनय किया उन्होंने दिल लगी फिल्म के साथ एक निर्देशक और निर्माता के रूप में अपनी शुरुआत की जिसमें उन्होंने अपने भाई बोबी देओल के साथ अभिनय किया उनके समीक्षकों द्वारा पहचानी गई रचना में मंजिल मंजिल सवेरे वाली गाड़ी सल्तनत डकैत यतीम वीरता इमरान सलाखी और फर्ज 1990 में राजकुमार संतोषी के गंभीर व्यवसायिक रूप से सफल घायल में अपने भाई की हत्या के आरोपी एक सोकिया मुक्केबाज के चित्रण के साथ शनि देओल को व्यापक मान्यता तो और प्रशंसा मिली इस फिल्म के साथ फेयर अवार्ड जीते और उनके प्रदर्शन में उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर अवार्ड और राष्ट्रीय पुरस्कार स्पेशल जूरी अवार्ड स्पेशल मैंशन प्रदान किया गया फिल्म दामिनी लाइटिंग में उनके एक वकील ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ साख अभिनेता के रूप में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ शाह अभिनेता के रूप में फिल्म फेयर पुरस्कार सहित कई प्रशंसाएं दिलाई अनिल शर्मा की गदर एक प्रेम का था जिनमें सनी देओल ने एक आलोरी ड्राइवर का किरदार निभाया था जिसे एक मुस्लिम लड़की से प्यार हो जाता है जो अपनी रिलीज के समय सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म थी और उन्हें एक और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला शनी की फिल्म फिल्मों में द हीरो लव स्टोरी ऑफ द जासूस अपने अपने यमला पगला दीवाना और घायल वंस अगेन शामिल हैं इन उपलब्धियों में उन्हें हिंदी फिल्म उद्योग के एक प्रमुख अभिनेता के रूप में स्थापित किया गया उन्होंने देओल से शादी की जिनसे उनके दो बेटे हैं शनी देओल तेईस मई सन दो हजार उन्नीस से गुरदासपुर पंजाब में भाजपा के सांसद भी हैं सनी का जन्म 19 अक्टूबर 1956 में छप्पन में लुधियाना पंजाब में हुआ था सनी की माओ श्री धर्मेंद्र की पहली पत्नी का नाम प्रकाश कौर है अभिनेता बोबी देओल विजेता विजेता देओल अजिता देओल आहाना देओल और ईशा देओल सनी के भाई बहन हैं फिल्मी सफर सनी देओल ने काफ़ी फिल्मों में अभिनय किया है उनकी पहली फिल्म फिल्म बेताब थी जो उन्नीस में प्रदर्शित हुई थी सन 2016 में संभवतः फरवरी माह में उनकी घायल वंस अगेन फिल्म प्रदर्शित हुई थी इस फिल्म को सनी देओल ने खुद ने लिखी थी इस फिल्म को स्वीकृत घायल फिल्म है जो 1990 में बनी थी सनी देओल की बॉर्डर तथा गदर इत्यादि फिल्में काफ़ी हिट हुई थी सनी देओल डायलॉग डिलीवरी के लिए भी जाने जाते थे सनी देओल के डायलॉग्स आज भी लोगों के जुगान पर आते रहते हैं फिल्म फेयर पुरस्कार उन्नीस सौ चौरानवे फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ महान्यता पुरस्कार दामिनी सन उन्नीस सौ इक्यानवे फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार घायल सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विशेष घायल उन्नीस सौ नब्बे इनके संदर्भ में यह सनी देओल की असली माँ देखे फैमिली के देखे अंधे के पिकी दे की भास्कर सन दो हजार चौदह तेईस अक्टूबर और उनकी दामनी पिक्चर में उनके साथ काम करने वाले ऋषि कपूर 14 सितंबर उन्नीस सौ बावन तीस अप्रैल दो हिंदी फिल्मों के वे अभिनेता थे ऋषि कपूर एक फिल्मी अभिनेता फिल्म निर्माता और निर्देशक थे वह एक बाल कलाकार के रूप में काम कर चुके हैं उन्हें बोबी फिल्म के लिए उन्नीस सौ चौहत्तर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार और साथ ही सन दो हज़ार आठ में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सहित कई अन्य पुरस्कारों में सम्मानित किया जा चुका है उन्होंने उनकी पहली फिल्म मेरा नाम जोकर में बाल कलाकार के रूप में शानदार भूमिका के लिए 1970 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त किया उनका जन्म 4 सितंबर उन्नीस मुंबई महाराष्ट्र भारत में हुआ उनकी मृत्यु तीस अप्रैल सन दो उम्र सड़सठ साल व्यवसाय अभिनेता निर्माता निर्देशक कार्यकाल 1970 सौ सत्तर सन दो नीतू सिंह और उनकी शादी 1980 में उनके दो बच्चे हैं रद्दिमा कपूर और रणधीर कपूर उन्होंने उन्नीस और सन दो के बीच बानवे फिल्मों में रोमांटिक लीड से मुख्य भूमिकाएं निभाई दो धुनी चार में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सन दो हज़ार का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में फिल्म फेयर क्रिएटक्स पुरस्कार आ दिया गया और कपूर एंड सन्स में अपनी भूमिका के लिए उन्होंने सन दो का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में फिल्म फेयर पुरस्कार जीता उन्हें सन दो में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड में सम्मानित किया गया वह उन्नीस से उन्नीस के बीच बारह फिल्मों में अपनी पत्नी नीतू सिंह के साथ दिखाए गए हैं तीस अप्रैल सन दो बीस को अस्थि मेरू कैंसर के, के कारण आई परेशानी से उनकी सड़सठ वर्ष की आयु में ही मृत्यु हो गई कपूर का जन्म पंजाब के परिवार में मुंबई के चेंबूर में हुआ था वह विख्यात अभिनेता फिल्म निर्देशक राज कपूर के पुत्र और अभिनेता पृथ्वीराज कपूर के पोते थे उन्होंने कैंपियन के, स्कूल मुंबई में मेयर कॉलेज जसमेर में अपने भाइयों के साथ अपनी स्कूली शिक्षा की उनके भाई रणधीर कपूर और राजीव कपूर मामा प्रेमनाथ और राजेंद्रनाथ और चाचा शशि कपूर और समीर कपूर सभी अभिनेता हैं ऋषि कपूर सुरगीर राज कपूर के बेटे और पृथ्वीराज कपूर के पोते हैं परंपरा के अनुसार उन्होंने भी अपने दादा और पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए फिल्मों में अभिनय किया और वह एक सफल अभिनेता के रूप में उभर कर आए मेरा नाम जोकर उनकी पहली फिल्म थी जिसमें उन्होंने अपने पिता के बचपन का रोल किया था बतौर मुख्य अभिनेता के रूप में उनकी पहली फिल्म बॉबी थी जिसमें उनके साथ डिंपल कपाड़िया भी दिखाई दी ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी 22 जनवरी 1980 में हुई थी ऋषि कपूर के दो संतानें हैं रणधीर कपूर जो कि एक अभिनेता और रिधिमा कपूर जो कि ड्रेस डिजाइनर है करिमा कपूर और करना कपूर उनकी भतीजियां हैं ऋषि कपूर उनकी सो, अपने सोशल मीडिया पर उनकी टिप्पणी के लिए विवादों में रही हैं वर्ष दो हजार अट्ठारह में उन्हें कैंसर का पता चला था उसके बाद लगभग एक वर्ष तक न्यूयॉर्क में उनका इलाज चला था तत्पश्चात भारत वापसी के बाद वे सार्वजनिक तौर पर बहुत कम देखे जाने लगे थे इस बीच इनका इलाज चलता रहा दो वर्षों तक चली पीड़ा के कारण ऋषि कपूर की तीस अप्रैल सन दो में अस्थि मेरु कैंसर के कारण आई जटिलता से मुंबई के सड़सठ वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई अपने अंतिम समय में मुंबई के एच एन रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल में भर्ती थे इस बीच वे अपनी फिल्म शर्माजी नमकीन की शूटिंग भी कर रहे थे उनकी मुख्य फिल्में मैंटो मुक कपूर वी पुलाव ओल ऑल बेवकूफिया रोमेंस बेशर्म डिडे औरंगजेब चश्मे अग्निपथ स्टूडेंट ऑफ दामनी दामनी उन्नीस सौ तिरानवे की राजकुमार की हिंदी भाषा की फिल्म है इसके मुख्य भूमिका में मीनाक्षी शिशादी और साथ में ऋषि कपूर सन्नी देओल और अमरीश पुरी हैं फिल्म की कहानी है कि एक महिला न्याय के लिए समाज के खिलाफ ऐसे लड़ती है आमिर खान की एक गीत में विशेष उपस्थिति है यह है, फिल्म जारी होने पर सफल रही थी और इसे सबसे अच्छी महिला प्रधान फिल्मों में भी माना जाता है सनी देओल के अभिनय की अपार प्रशंसा हुई है उस उनके संवाद यादगार रहे हैं इस फिल्म के अधिकार अब रेड चिली एंटरटेनमेंट के स्वात्य में है इस फिल्म के निर्देशक हैं राजकुमार संतोषी निर्माता हैं अली मोरना करीम मुरानी बंटी सूरमा इस फिल्म के लेखक हैं दिलीप शुक्ला और इस फिल्म के जो मुख्य अभिनेता हैं वो हैं मीनाक्षी शिशा सनी देओल ऋषि कपूर कुलभूषण खरबंदा पुरी अनजान श्रीवास्ताव संगीतकार हैं नदीम शर्वन और प्रदर्शन तिथि तीस अप्रैल उन्नीस है यह फिल्म हिंदी भाषा की अपने देश भारत की फ़िल्म है इस फिल्म का संजीव में वर्णन इस प्रकार है जब अमीर श्री गुप्ता जी का पुत्र शेखर एक छोटे से पहाड़ी शहर में रहता है तो उसे दामनी की सुंदरता और नृत्य मोह लेती है जब वह उससे मिलने जाता है तो वह फैसला करता है कि वह उससे ही शादी करने जा रहा है शेखर अपने पिता आ, को उसके मास्टर पिता चंद्रकांत से मिलने के लिए आ, लाता है श्री गुप्ता दामनी की सरलता और सुंदरता ईमानदारी से प्रभावित हैं और वे शेखर और दामनी के विवाह की मंजूरी देते हैं धूमधाम समारोह में दोनों की शादी मनाई जाती है फिर दामनी शेखर की हवेली जैसे घर में पहुँचती है जहाँ उसे पता चलता है कि शेखर की माँ सुमित्रा अपने बेटे की अमीर श्री बजाज से बजाज की बेटी से शादी करना चाहती थी फिर एक दिन दामिनी शेखर के छोटे भाई राकेश को नौकरानी से छेड़छाड़ करते हुए देखती है और उसे इस बारे में शेखर को सूचित करने के, के लिए जाती है यौन आ, हमले को रोकने के लिए शेखर दौड़ता है लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है उस प्रकार राकेश और उसके तीन मित्र नौकरानी के साथ बलात्कार Uh, करते हैं और जो बेहोश होता हो जाती है जब गुप्ता परिवार एक घटना को छुपाने का षडयंत्र करता है लेकिन दामनी इस घटना को अपने दिमाग से बाहर करने में असमर्थ है और आखिर में पुलिस को सूचित करने का फैसला करती है तुरंत गुप्ता परिवार द्वारा उसे बहिष्कृत किया जाता है और घर छोड़ने के लिए कहा जाता है पुलिस राकेश और उसके तीन दोस्तों को गिरफ्तार करती है और मामला अदालत में उठाया जाता है दामनी को गवाही देने के लिए कहा जाता है आ, कहा जाता है उसको गुप्ता परिवार के वकील इंद्रजीत चड्ढा द्वारा मानसिक रूप से अस्थिर व्यक्ति के रूप में चित्रित किया जाता है जिसमें गुप्ता परिवार के लोगों के साथ उसके पिता भी गवाही देते हैं कि दामने की मानसिक संस्था के न्यायिक आदेश से दो हफ्तों तक रखा जाता है संस्था ने उसे मानसिक यातना दी जाती है और वह वहाँ से भागने में सफल होती है वह गोविंद नाम के शराबी वकील से मिलती हैं उसके बलात्कार का मामला फिर से खुलवाया तब नौकरानी अस्पताल में मर जाती है और पुलिस आत्महत्या के रूप में उसकी मृत्यु को लिखती है लेकिन गोविंद अनिस्थय साबित करने में सक्षम है दा। दामनी के लिए अंतिम परीक्षण के रूप में एकमात्र व्यक्ति जो उसका सही स्थान बहाल कर सकता है वो शेखर है लेकिन वह शेखर अपने परिवार के खिलाफ खड़ा हो जाता है वो दामनी के पक्ष में गवाही दे सकता है और उसके छोटे भाई को जेल जेल हो सकती है मुख्य कलाकार मीनाक्षी शोषाद्री दामनी गुप्ता ऋषि कपूर शेखर गुप्ता सनी और गोविंद अमरीशपुरी वकील इंद्रजीत चड्ढा कुलभूषण खरबंदा शेखर के पिता रोहिणी हंटगड़ी शेखर की माता टिन्नू आनंद शेखर के मामा सुलभा आर्य शेखर की आ, मामी अंजाम श्रीवास्तव दामनी के पिता विजेंद्र घटके इंस्पेक्टर कदम पनीष रावल श्री बजाज अविशु खोटे महेश वीरेंद्र सक्सेना वकील आमिर खान गीत दिन सान साजन झूला में संगीत सभी गीत शमी द्वारा लिखित सारा संगीत नदीम शिगुन द्वारा सूचित है इसके मुख्य शीर्षक बिन साजन झूला झूलू कुमार सानू साधना सरगम जिसकी अवधि छः मिनट सत्रह सेकेंड है गवा है चांद तारे गवाह है कुमार सानू अल्कायाग्निक छः मिनट उन्नीस सेकंड कागा तो उड़ गया अल्कायाग्निक पाँच मिनट सत्रह सेकंड जब से तुमको देखा है कुमार सानू साधना सरगम पाँच मिनट चौदह सेकंड सच्चा आशिक है तो कुमार अलका याग्निक आठ मिनट पच्चीस सेकंड तांडव वाँध देगी तो मिनट इक्कीस सेकंड परिणाम दामिनी घायल और घातक के साथ देओल मीनाक्षी और, और राजकुमार संतोषी की सफल फिल्मों में गिनी जाती है इस फिल्म में मीनाक्षी शेषाद्री को कभी कमार दामिनी भी कहा जाता है दामांकरण पुरस्कार उन्नीस सौ चौहत्तर फिल्म फेयर सर्श्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार राजकुमार संतोषी और उन्नीस सौ चौहत्तर फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ शाहक अभिनेता पुरस्कार सनी देओल राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार उन्नीस सौ चौहत्तर सर्वश्रेष्ठ सहाक अभिनेता के रूप में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सनी देओल है जब फिल्म जबरदस्त के सूट पर पूरी यूनिट के सामने आमिर पर महक गए थे अमरीश पूरी बाद में मांगना मांगनी पड़ी थी माफी लेकिन भास्कर जून मूल सत्रह जुलाई उन्नीस दो हजार अठारह को पुराना की तबीयनती थी सत्रह जुलाई सन दो हजार अठारह दामनी के को स्टार इसकी मुख्य भूमिका निभाने वाली मीनाक्षी शेषाद्री एक भारतीय अभिनेत्री है श्रीमती शेषाद्री का वर्तमान झारखंड प्रांत के सिंदरी नामक शहर में तेरह नवंबर उन्नीस तिरसठ को हुआ था वैसे मीनाक्षी की मूलतः तमिलनाडु से है परंतु उनके पिता सिंदरी के उर्वरक कारखाने में कार्यरत होने के कारण उनका परिवार इसी शहर में बस गया तो उनके पति का नाम मेशोर है मीनाक्षी ने सन उन्नीस में मिस इंडिया बनने के बाद उनके फिल्मी कैरियर की के शुरुआत पहली बार नायिका के तौर पर उन्नीस की हिंदी फिल्म पेंटर बाबू में हुई उनकी फिल्में मुख्य फिल्में इस प्रकार है दो राही घातक ड्यूट दाम क्षत्रिय खिलौना है बड़ी बहन साधना हमला आपात बंडसू हम आज का गुंडा राज पुलिस और मुस्लिम ब्रह्मा ऋषि विश्वामित्र घर परिवार अकेला घायल घर हो तो ऐसा शानदार आवारगी अम्बाजुन प्यार का कर्ज सच्चे का बोलबुला तूफान महादेव जो आग के आग से खेलेंगे बड़े घर की बेटी घराना मोहब्बत का पैगाम नाचे नागिन गली गली आ तेरी पायल मेरे गीत सहनसा बीस साल बाद मैं तेरे लिए गंगा जमुना सरस्वती विजय इंतकाम औरत तेरी यही कहानी मुकद्दर का फैसला डकैत परिवार इनाम दस हज़ार दहलीज दिलवाला अल्लाह रखा मैं बलवान बेटी रिकी स्वाति आवारा बाप मेरा घर Uh, मेरा घर मेरे बच्चे सत्यमेव जयते मेरी जंग आंधी तूफान लवर बॉय महाशक्तिमान बेवफाई महागुरु मेरा जवाब होशियार पैसा ये पैसा लव मैरिज हीरो पेंटर बाबू दो गुलाब मीनाक्षी शशिधारी हिंदी uh, हिंदी फिल्मों द्वारा जाने जाने वाली एक वह अभिनेत्री है जिसने हिंदी भाषा की फिल्मों में बहुत सी फिल्मों में काम किया है uh, मीनाक्षी शशिधारी की सनी देओल के साथ आ, सनी देओल के साथ लगभग तीन सुपरहिट फिल्में हैं जो कि बॉक्स ऑफिस पर जिन्होंने काफ़ी धमाल मचाया है शनि देओल अजय सिंह देओल फिल्म 19 अक्टूबर 1956 फिल्म फिल्में सनी देओल के नाम से ही जाना जाता है जो एक भारतीय फिल्म अभिनेता निर्देशक निर्माता और राजनेता है जाट परिवार में जन्मे वर्तमान में पंजाब के गुरदासपुर में लोकसभा सांसद हैं जिन्हें हिंदी सिनेमा में उनके काम के लिए जाना जाता है पैंतीस साल और सौ से अधिक फिल्मों में एक फिल्मी कैरियर में सन आ, शन्नी देओल ने अपनी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और दो फिल्मी, फिल्म पुरस्कार जीते हैं चुनाव क्षेत्र गुरदासपुर जन्म उन्नीस अक्टूबर उन्नीस सौ छप्पनवे पैंसठ साल सहने वाला पंजाब भारत जन्म का जन्म का नाम अजय सिंह देओल नागरिकता भारतीय राष्ट्रीय या भारतीय राष्ट्र राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी जीवन साथी पूजा देओल बच्चे दो निवास मुंबई महाराष्ट्र भारत व्यवसाय अभिनेता राजनेता निर्देशक उन्होंने अपना डेब्ल्यू अमृता सिंह के साथ बेताब फिल्म में किया उनका प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला उसके बाद उन्होंने 1980 और 1990 के दशक में कई सफल फिल्मों में अभिनय किया उन्होंने दिल लगी फिल्म के साथ एक निर्देशक और निर्माता के रूप में अपनी शुरुआत की जिसमें उन्होंने अपने भाई बोबी देओल के साथ अभिनय किया उनके समीक्षकों द्वारा पहचानी गई रचना में मंजिल मंजिल सवेरे वाली गाड़ी सल्तनत डकैत यतीम वीरता इमरान सलाखी और फर्ज 1990 में राजकुमार संतोषी के गंभीर व्यवसायिक रूप से सफल घायल में अपने भाई की हत्या के आरोपी एक सोकिया मुक्केबाज के चित्रण के साथ शनि देओल को व्यापक मान्यता और प्रशंसा मिली इस फिल्म के साथ फिल्म फेयर अवार्ड जीते और उनके प्रदर्शन में उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर अवार्ड और राष्ट्रीय पुरस्कार स्पेशल जूरी अवार्ड स्पेशल मैंशन प्रदान किया गया फिल्म दामिनी लाइटिंग में उनके एक वकील ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ साख अभिनेता के रूप में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ शाह का अभिनेता के रूप में फिल्म फेयर पुरस्कार सहित कई प्रशंसाएं दिलाई अनिल शर्मा की गदर एक प्रेम का था जिनमें सनी देओल ने एक आलोरी ड्राइवर का किरदार निभाया था जिसे एक मुस्लिम लड़की से प्यार हो जाता है जो अपनी रिलीज के समय सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म थी और उन्हें एक और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला शनी की फिल्म फिल्मों में द हीरो लव स्टोरी ऑफ द जासूस अपने अपने यमला पगला दीवाना और घायल वंस अगेन शामिल हैं इन उपलब्धियों में उन्हें हिंदी फिल्म उद्योग के एक प्रमुख अभिनेता के रूप में स्थापित किया गया उन्होंने पूजा देओल से शादी की जिनसे उनके दो बेटे हैं शनी देओल तेईस मई उन्नीस सन दो हजार उन्नीस से गुरदासपुर पंजाब में भाजपा के सांसद भी हैं सनी का जन्म 19 अक्टूबर 1956 में सह में लुधियाना पंजाब में हुआ था सनी की माओ श्री धर्मेंद्र की पहली पत्नी का नाम प्रकाश कौर है अभिनेता बोबी देओल विजेता विजेता देओल अजिता देओल आहाना देओल और ईशा देओल सनी के भाई बहन हैं फिल्मी सफ़र सनी देओल ने काफ़ी फिल्मों में अभिनय किया है उनकी पहली फिल्म फिल्म बेताब थी जो उन्नीस में प्रदर्शित हुई थी सन 2016 में संभवतः फरवरी माह में उनकी घायल वंस अगेन फिल्म प्रदर्शित हुई थी इस फिल्म को सनी देओल ने खुद ने लिखी थी इस फिल्म को श्वीकृ घायल फिल्म है जो उन्नीस में बनी थी सनी देओल की बॉर्डर तथा गदर इत्यादि फिल्में काफ़ी हिट हुई थी सनी देओल डायलॉग डिलीवरी के लिए भी जाने जाते थे सनी देओल के डायलॉग्स आज भी लोगों के जुगान पर आते रहते हैं फिल्म फेयर पुरस्कार उन्नीस सौ फिल्म फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ महानेता पुरस्कार दामनी सन उन्नीस सौ इक्यानवे फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार घायल सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विशेष घायल उन्नीस सौ नब्बे इनके संदर्भ में यह सनी देओल की असली माँ देखे फैमिली के देखे अंधे के पिकी दे की भास्कर सन दो हजार चौदह तेईस अक्टूबर और उनकी दामनी पिक्चर में उनके साथ काम करने वाले ऋषि कपूर 14 सितंबर उन्नीस सौ बावन तीस अप्रैल दो हिंदी फिल्मों के वे अभिनेता थे ऋषि कपूर एक फिल्मी अभिनेता फिल्म निर्माता और निर्देशक थे वह एक बाल कलाकार के रूप में काम कर चुके हैं उन्हें बोबी फिल्म के लिए उन्नीस सौ चौहत्तर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार और साथ ही सन दो हज़ार आठ में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सहित कई अन्य पुरस्कारों में सम्मानित किया जा चुका है उन्होंने उनकी पहली फिल्म मेरा नाम जोकर में बाल कलाकार के रूप में शानदार भूमिका के लिए 1970 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त किया उनका जन्म 4 सितंबर उन्नीस मुंबई महाराष्ट्रीय भारत में हुआ उनकी मृत्यु तीस अप्रैल सन दो उम्र सड़सठ साल व्यवसाय अभिनेता निर्माता निर्देशक कार्यकाल 1970 सौ सत्तर सन दो नीतू सिंह और उनकी शादी 1980 में उनके दो बच्चे हैं रद्दिमा कपूर और रणधीर कपूर उन्होंने उन्नीस और सन दो के बीच बानवे फिल्मों में रोमांटिक लीड से मुख्य भूमिकाएं निभाई दो धुनी चार में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सन दो हज़ार का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में फिल्म फेयर क्रिएटक्स पुरस्कार आ दिया गया और कपूर एंड सन्स में अपनी भूमिका के लिए उन्होंने सन 2017 का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में फिल्म फेयर पुरस्कार जीता उन्हें सन दो हजार आठ में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड में सम्मानित किया गया वह उन्नीस सौ तिहत्तर से उन्नीस सौ इक्यासी के बीच बारह फिल्मों में अपनी पत्नी नीतू सिंह के साथ दिखाए गए हैं तीस अप्रैल सन दो हजार बीस को अस्थि मेरू कैंसर के, के कारण आई परेशानी से उनकी सड़सठ वर्ष की आयु में ही मृत्यु हो गई कपूर का जन्म पंजाब के परिवार में मुंबई के चेंबूर में हुआ था वह विख्यात अभिनेता फिल्म निर्देशक राज कपूर के पुत्र और अभिनेता पृथ्वीराज कपूर के पोते थे उन्होंने कैंपियन के, स्कूल मुंबई में मेयो कॉलेज तस्वीर में अपने भाइयों के साथ अपनी स्कूली शिक्षा की उनके भाई रणधीर कपूर और राजीव कपूर मामा प्रेमनाथ और राजेंद्रनाथ और चाचा शशि कपूर और समीर कपूर सभी अभिनेता हैं ऋषि कपूर सुरगीर राज कपूर के बेटे पृथ्वीराज कपूर के पोते हैं परंपरा के अनुसार उन्होंने भी अपने दादा और पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए फिल्मों में अभिनय किया और वह एक सफल अभिनेता के रूप में उभर कर आए मेरा नाम जोकर उनकी पहली फिल्म थी जिसमें उन्होंने अपने पिता के बचपन का रोल किया था बतौर मुख्य अभिनेता के रूप में उनकी पहली फिल्म बॉबी थी जिसमें उनके साथ डिंपल कपाड़िया भी दिखाई दी ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी 22 जनवरी 1980 में हुई थी ऋषि कपूर के दो संताने हैं रणधीर कपूर जो कि एक अभिनेता और रिधिमा कपूर जो कि ड्रेस डिजाइनर है करिमा कपूर और करना कपूर उनकी भतीजिया हैं ऋषि कपूर उनकी सो, अपने सोशल मीडिया पर उनकी टिप्पणी के लिए विवादों में रही हैं वर्ष दो हजार अठारह में उन्हें कैंसर का पता चला था उनके बाद लगभग एक वर्ष तक न्यूयॉर्क में उनका इलाज चला था तत्पश्चात भारत वापसी के बाद वे सार्वजनिक तौर पर बहुत कम देखे जाने लगे थे इस बीच इनका इलाज चलता रहा दो वर्षों तक चली पीड़ा के कारण ऋषि कपूर की तीस अप्रैल सन दो में अस्थि मेरु कैंसर के कारण आई जटिलता से मुंबई के सड़सठ वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई अपने अंतिम समय वे मुंबई के एच एन रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल में भर्ती थे इस बीच वे अपनी फिल्म जी नमकीन की शूटिंग भी कर रहे थे उनकी मुख्य फिल्में मैंटो मुक कपूर सनमरे वैंडी पुलाव ओल ऑल इज बेवकूफिया रोमेंस बेशर्म डिडे औरंगजेब चश्मे बदून अग्निपथ स्टूडेंट ऑफ दामनी दामनी उन्नीस सौ तिरानवे की राजकुमार संतोष की हिंदी भाषा की फिल्म है इसके मुख्य भूमिका में मीनाक्षी शिशादी और साथ में ऋषि कपूर सन्नी देओल और अमरीश पुरी हैं फिल्म की कहानी है कि एक महिला न्याय के लिए समाज के खिलाफ ऐसे लड़ती है आमिर खान की एक गीत में विशेष उपस्थिति है यह है। फिल्म जारी होने पर सफल रही थी और इसे सबसे अच्छी महिला प्रधान फिल्मों में भी माना जाता है सनी देओल के अभिनय की अपार प्रशंसा हुई है उस उनके संवाद यादगार रहे हैं इस फिल्म के अधिकार अब रेड चिली एंटरटेनमेंट के स्वात्य में है इस फिल्म के निर्देशक हैं राजकुमार संतोषी निर्माता हैं अली मोरना करीम मुरानी बंटी सुरमा इस फिल्म के लेखक हैं दिलीप शुक्ला और इस फिल्म के जो मुख्य अभिनेता हैं वो हैं मीनाक्षी शिशा शशाद्री सनी देओल ऋषि कपूर कुलभूषण खरबंदा पुरी अनजान श्रीवास्ता संगीतकार हैं नदीम शर्मा और प्रदर्शन तिथि तीस अप्रैल उन्नीस है यह फिल्म हिंदी भाषा की अपने देश भारत की फिल्म है इस फिल्म का संजीव में वर्णन इस प्रकार है जब अमीर श्री गुप्ता जी का पुत्र शेखर एक छोटे से पहाड़ी शहर में रहता है तो उसे दामनी की सुंदरता और नृत्य मोह लेती है जब वह उससे मिलने जाता है तो वह फैसला करता है कि वह उससे ही शादी करने जा रहा है शेखर अपने पिता आ, को उसके मास्टर पिता चंद्रकांत से मिलने के लिए आ, लाता है श्री गुप्ता दामनी की सरलता और सुंदरता ईमानदारी से प्रभावित हैं और वे शेखर और दामनी के विवाह की मंजूरी देते हैं धूमधाम समारोह में दोनों की शादी मनाई जाती है फिर दामनी शेखर की हवेली जैसे घर में पहुँचती है जहाँ उसे पता चलता है कि शेखर की माँ सुमित्रा अपने बेटे की अमीर श्री बजाज से बजाज की बेटी से शादी करना चाहती थी फिर एक दिन दामनी शेखर के छोटे भाई राकेश को नौकरानी से छेड़छाड़ करते हुए देखती है और उसे इस बारे में शेखर को सूचित करने के, के लिए जाती है यौन आ, हमले को रोकने के लिए शेखर दौड़ता है लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है उस प्रकार राकेश और उसके तीन मित्र नौकरानी के साथ बलात्कार करते हैं और जो बेहोश होता तो हो जाती है जब गुप्ता परिवार यह घटना को छुपाने का षडयंत्र करता है लेकिन दामनी इस घटना को अपने दिमाग से बाहर करने में असमर्थ है और आखिर में पुलिस को सूचित करने का फैसला करती है तुरंत गुप्ता परिवार द्वारा उसे बहिष्कृत किया जाता है और घर छोड़ने के लिए कहा जाता है पुलिस राकेश और उसके तीन दोस्तों को गिरफ्तार करती है और मामला अदालत में उठाया जाता है दामनी को गवाही देने के लिए कहा जाता है कहा जाता है उसको गुप्ता परिवार के वकील इंद्रजीत चड्ढा द्वारा मानसिक रूप से अस्थिर व्यक्ति के रूप में चित्रित किया जाता है जिसमें गुप्ता परिवार के लोगों के साथ उसके पिता भी गवाही देते हैं कि दामने की मानसिक संस्था के न्यायिक आदेश से दो हफ्तों तक रखा जाता है संस्था ने उसे मानसिक यातना दी जाती है और वह वहाँ से भागने में सफल होती है वह गोविंद नाम के शराबी वकील से मिलती हैं उसके बलात्कार का मामला फिर से खुलवाया तब नौकरानी अस्पताल में मर जाती है और पुलिस आत्महत्या के रूप में उसकी मृत्यु को लिखती है लेकिन गोविंद अनिश्चय साबित करने में सक्षम है दा। दामनी के लिए अंतिम परीक्षण के रूप में एकमात्र व्यक्ति जो उसका सही स्थान बहाल कर सकता है वो शेखर है लेकिन वह शेखर अपने परिवार के खिलाफ खड़ा हो जाता है वो दामनी के पक्ष में गवाही दे सकता है और उसके छोटे भाई को जेल जेल हो सकती है मुख्य कलाकार मीनाक्षी शोषाद्री दामनी गुप्ता ऋषि कपूर शेखर गुप्ता सनी और गोविंद अमरीशपुरी वकील इंद्रजीत चड्ढा कुलभूषण खरबंदा शेखर के पिता रोहनी हंटगड़ी शेखर की माता टिन्नू आनंद शेखर के मामा सुलभा आर्य शेखर की आ, मामी अंजाम श्रीवास्तव दामनी के पिता विजेंद्र घटके इंस्पेक्टर कदम परेश रावल श्री बजाज अविशु खोटे महेश वीरेंद्र सक्सेना वकील आमिर खान गीत दिन सान साजन झूला में संगीत सभी गीत शमी द्वारा लिखित सारा संगीत नदीम शिवन द्वारा सूचित है इसके मुख्य शीर्षक बिन साजन झूला झूलू कुमार सानू साधना सरगम जिसकी अवधि छः मिनट सत्रह सेकेंड है गवाह है चांद तारे गवाह है कुमार सानू अलका याग्निक छः मिनट उन्नीस सेकेंड कागा तो उड़ गया अलका याग्निक पाँच मिनट सत्रह सेकेंड जब से तुमको देखा है कुमार सानू साधना सरगम पाँच मिनट चौदह सेकंड सच्चा आशिक है तो कुमार अलका याग्निक आठ मिनट पच्चीस सेकंड तांडव वाद देगी दो तो मिनट इक्कीस सेकंड परिणाम दामिनी घायल और घातक के साथ देओल मीनाक्षी और, और राजकुमार संतोषी की सफल फिल्मों में गिनी जाती है इस फिल्म में मीनाक्षी शेषाद्री को कभी कमार दामिनी भी कहा जाता है दामांकन और पुरस्कार 1974 फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार राजकुमार संतोषी और उन्नीस सौ चौहत्तर फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ शाहक अभिनेता पुरस्कार सनी देओल राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार उन्नीस सौ चौहत्तर सर्वश्रेष्ठ शाहक अभिनेता के रूप में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सनी देओल है जब फिल्म जबरदस्त के सूट पर पूरी यूनिट के सामने आमिर पर बह गए थे अमरीश बाद में मांगना मंगनी पड़ी थी माफी लेकिन भास्कर जून मूल सत्रह जुलाई उन्नीस दो हजार अठारह को पुराना की तबीयती थी सत्रह जुलाई सन दो हजार अठारह दामनी के को स्टार इसकी मुख्य भूमिका निभाने वाली मीनाक्षी शेषाद्री एक भारतीय अभिनेत्री है श्रीमती शेषाद्री का वर्तमान झारखंड प्रांत के सिंदरी नामक शहर में तेरह नवंबर उन्नीस सौ तिरसठ uh, को हुआ था वैसे मीनाक्षी की मूलतः तमिलनाडु से है परंतु उनके पिता सिंदरी के उर्वक कारखाने में कार्यरत होने के कारण उनका परिवार इसी शहर में बस गया तो उनके पति का नाम मेशोर है मीनाक्षी ने सन उन्नीस में मिस इंडिया बनने के बाद उनके फिल्मी करियर की के शुरुआत पहली बार नायिका के तौर पर उन्नीस की हिंदी फिल्म पेंटर बाबू में हुई उनकी फुरमे मुख्य फिल्में इस प्रकार है दो राहे घातक ड्यूट दामनी क्षत्रिय आदमी खिलौना है बड़ी बहन साधना हमला आपात बंडसू हम सगल आज का गुंडा राज पुलिस और मुस्लिम ब्रह्मा ऋषि विश्वामित्र घर परिवार अकेला घायल घर हो तो ऐसा शानदार आवारगी अम्बाजुन प्यार का कर्ज सच्चे का बोलबुला तूफान महादेव जो आग के आग से खेलेंगे बड़े घर की बेटी घराना मोहब्बत का पैगाम नाचे नागिन गली गली आ, तेरी पायल मेरे गीत सहनसा बीस साल बाद मैं तेरे लिए गंगा जमुना सरस्वती विजय इंतकाम औरत तेरी यही कहानी मुकद्दर का फैसला डकैत परिवार इनाम दस हज़ार दहलीज दिलवाला अल्लाह रखा मैं बलवान बेटी रिकी स्वाति आवारा बाप मेरा घर Uh, मेरा घर मेरे बच्चे सत्यमेव जयते मेरी जंग आंधी तूफान लवर बॉय महाशक्तिमान बेवफाई महागुरु मेरा जवाब होशियार पैसा ये पैसा लव मैरिज हीरो पेंटर बाबू दो गुलाब मीनाक्षी शशिधारी हिंदी uh, हिंदी फिल्मों द्वारा जाने जाने वाली एक वह अभिनेत्री है जिसने हिंदी भाषा की फिल्मों में बहुत सी फिल्मों में काम किया है uh, मीनाक्षी शशिधारी की सनी देओल के साथ आ, सनी देओल के साथ लगभग तीन सुपरहिट फिल्में हैं जो कि बॉक्स ऑफिस पर जिन्होंने काफ़ी धमाल मचाया है शनि देओल अजय सिंह देओल फिल फिल्म 19 अक्टूबर 1956 फिल्म में सनी देओल के नाम से ही जाना जाता है जो एक भारतीय फिल्म अभिनेता निर्देशक निर्माता और राजनेता है जाट परिवार में जन्मे वर्तमान में पंजाब के गुरदासपुर में लोकसभा सांसद हैं जिन्हें हिंदी सिनेमा में उनके काम के लिए जाना जाता है पैंतीस साल और सौ से अधिक फिल्मों में एक फिल्मी कैरियर में सन आ... शन्नी देओल ने अपनी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और दो फिल्मी फिल्म पुरस्कार जीते हैं चुनाव क्षेत्र गुरदासपुर जन्म उन्नीस अक्टूबर उन्नीस सौ छप्पन पैंसठ साल सहने वाला पंजाब भारत जन्म का जन्म का नाम अजय सिंह देओल नागरिकता भारतीय राष्ट्रीय या भारतीय राष्ट्र राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी जीवन साथी पूजा देओल बच्चे दो निवास मुंबई महाराष्ट्र भारत व्यवसाय अभिनेता राजनेता निर्देशक उन्होंने अपना डेब्यू अमृता सिंह के साथ बेताब फिल्में किया उनका प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म पिय पुरस्कार मिला उसके बाद उन्होंने 1980 तो और 1990 के दशक में कई सफल फिल्मों में अभिनय किया उन्होंने दिल लगी फिल्म के साथ एक निर्देशक और निर्माता के रूप में अपनी शुरुआत की जिसमें उन्होंने अपने भाई बोबी देओल के साथ अभिनय किया उनके समीक्षकों द्वारा पहचानी गई रचना में मंजिल मंजिल सवेरे वाली गाड़ी सल्तनत डकैत यतीम वीरता इमरान सलाखी और फर्ज उन्नीस में राजकुमार संतोषी के गंभीर और रूप से सफल घायल में अपने भाई की हत्या के आरोपी एक सोकिया मुक्केबाज के चित्रण के साथ शनि देओल को व्यापक मान्यता और प्रशंसा मिली इस फिल्म के साथ फेयर अवार्ड जीते और उनके प्रदर्शन में उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर अवार्ड और राष्ट्रीय पुरस्कार स्पेशल जूरी अवार्ड स्पेशल मैंशन प्रदान किया गया फिल्म दामिनी लाइटिंग में उनके एक वकील ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ साख अभिनेता के रूप में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ शाह अभिनेता के रूप में फिल्म फेयर पुरस्कार सहित कई प्रशंसाएं दिलाई अनिल शर्मा की गदर एक प्रेम का था जिनमें सनी देओल ने एक आलोरी ड्राइवर का किरदार निभाया था जिसे एक मुस्लिम लड़की से प्यार हो जाता है जो अपनी रिलीज के समय सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म थी और उन्हें एक और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला शनी की फिल्म फिल्मों में द हीरो लव स्टोरी ऑफ द जासूस अपने अपने यमला पगला दीवाना और घायल वंस अगेन शामिल हैं इन उपलब्धियों में उन्हें हिंदी फिल्म उद्योग के एक प्रमुख अभिनेता के रूप में स्थापित किया गया उन्होंने पूजा देओल से शादी की जिनसे उनके दो बेटे हैं शनि देओल तेईस मई उन्नीस सन दो हजार उन्नीस से गुरदासपुर पंजाब में भाजपा के सांसद भी हैं सनी का जन्म 19 अक्टूबर 1956 में सह शहनीवाल लुधियाना पंजाब में हुआ था सनी की माओ श्री धर्मेंद्र की पहली पत्नी का नाम प्रकाश कौर है अभिनेता बोबी देओल विजेता विजेता देओल अजिता देओल अहाना देओल और ईशा देओल सनी के भाई बहन हैं फिल्मी सफर सनी देओल ने काफ़ी फिल्मों में अभिनय किया है उनकी पहली फिल्म आ, फिल्म बेताब थी जो उन्नीस में प्रदर्शित हुई थी सन 2016 में संभवतः फरवरी माह में उनकी घायल वंस अगेन फिल्म प्रदर्शित हुई थी इस फिल्म को सनी देओल ने खुद ने लिखी थी इस फिल्म को श्वीकृण घायल फिल्म है जो उन्नीस में बनी थी सनी देओल की बॉर्डर तथा गदर इत्यादि फिल्में काफ़ी हिट हुई थी सनी देओल डायलॉग डिलीवरी के लिए भी जाने जाते थे सनी देओल के डायलॉग्स आज भी लोगों के जुगान पर आते रहते हैं फिल्म फेयर पुरस्कार उन्नीस सौ चौरानवे फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ महानेता पुरस्कार दामनी सन उन्नीस सौ इक्यानवे फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार घायल सर्वश्रेष्ठ आश्यम सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विशेष घायल उन्नीस सौ नब्बे इनके संदर्भ में यह सनी देओल की असली माँ देखे फैमिली के देखे के पिकी दे की भास्कर सन दो हज़ार चौदह तेईस अक्टूबर और उनकी दामनी पिक्चर में उनके साथ काम करने वाले ऋषि कपूर चौदह सितंबर उन्नीस सौ बावन तीस अप्रैल दो हज़ार बीस हिंदी फिल्मों के वे अभिनेता थे ऋषि कपूर एक फिल्मी अभिनेता फिल्म निर्माता और निर्देशक थे वह एक बाल कलाकार के रूप में काम कर चुके हैं उन्हें बूबी फिल्म के लिए उन्नीस में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार और साथ ही सन दो में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सहित कई अन्य पुरस्कारों में सम्मानित किया जा चुका है उन्होंने उनकी पहली फिल्म मेरा नाम जोकर में बाल कलाकार के रूप में शानदार भूमिका के लिए 1970 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त किया उनका जन्म चार सितंबर उन्नीस मुंबई महाराष्ट्रीय भारत में हुआ उनकी मृत्यु तीस अप्रैल सन दो उम्र सड़सठ साल व्यवसाय अभिनेता निर्माता निर्देशक कार्यकाल उन्नीस सौ सत्तर सन दो हजार बीस जीवनसाथी नीतू सिंह और उनकी शादी उन्नीस सौ अस्सी में उनके दो बच्चे हैं रधिमा कपूर और रणधीर कपूर उन्होंने उन्नीस सौ तिहत्तर और सन दो हजार के बीच बानवे फिल्मों में रोमांटिक लीड से मुख्य भूमिका निभाई दो धुनी चार में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सन दो का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में फिल्म फेयर क्रिएटक्स पुरस्कार आ दिया गया और कपूर एंड सन्स में अपनी भूमिका के लिए उन्होंने सन दो का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में फिल्म फेयर पुरस्कार जीता उन्हें सन दो में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड में सम्मानित किया गया वह उन्नीस से उन्नीस के बीच बारह फिल्मों में अपनी पत्नी नीतू सिंह के साथ दिखाए गए हैं तीस अप्रैल सन दो को अस्थि मेरू कैंसर के, के कारण आई परेशानी से उनकी सड़सठ वर्ष की आयु में ही मृत्यु हो गई कपूर का जन्म पंजाब के परिवार में मुंबई के चेंबूर में हुआ था वह विख्यात अभिनेता फिल्म निर्देशक राज कपूर के पुत्र और अभिनेता पृथ्वीराज कपूर के पोते थे उन्होंने हाँ, कैंपियन स्कूल मुंबई में मेयर कॉलेज उजमेर में अपने भाइयों के साथ अपनी स्कूली शिक्षा की उनके भाई रणधीर कपूर और राजीव कपूर मामा प्रेमनाथ और तो राजेंद्रनाथ और तो चाचा शशि कपूर और समीर कपूर सभी अभिनेता हैं ऋषि कपूर सुरगीर राज कपूर के बेटे पृथ्वीराज कपूर के पोते हैं परंपरा के अनुसार उन्होंने भी अपने दादा और पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए फिल्मों में अभिनय किया और वह एक सफल अभिनेता के रूप में उभर कर आए मेरा नाम जोकर उनकी पहली फिल्म थी जिसमें उन्होंने अपने पिता के बचपन का रोल किया था बतौर मुख्य अभिनेता के रूप में उनकी पहली फिल्म बॉबी थी जिसमें उनके साथ डिंपल कपाड़िया भी दिखाई दी ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी 22 जनवरी 1980 में हुई थी ऋषि कपूर के दो संतानी हैं रणधीर कपूर जो कि एक अभिनेता और रिधिमा कपूर जो कि ड्रेस डिजाइनर है करश्मा कपूर और करना कपूर उनकी भतीजिया हैं ऋषि कपूर उनकी सो अपने सोशल मीडिया पर उनकी टिप्पणी के लिए विवादों में रही है वर्ष सन दो हजार अट्ठारह में उन्हें कैंसर का पता चला था उसके बाद लगभग एक वर्ष तक न्यूयॉर्क में उनका इलाज चला था तत्पश्चात भारत वापसी के बाद वे सार्वजनिक तौर पर बहुत कम देखे जाने लगे थे इस बीच इनका इलाज चलता रहा दो वर्षों तक चली पीड़ा के कारण ऋषि कपूर की तीस अप्रैल सन दो में अस्थि मेरु कैंसर के कारण आई जटिलता से मुंबई के सड़सठ वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई अपने अंतिम समय वे मुंबई के एच एन रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल में भर्ती थे इस बीच वे अपनी फिल्म शर्मा जी नमकीन की शूटिंग भी कर रहे थे उनकी मुख्य फिल्में मैंटो मुक कपूर एन सन सनमरे वैंडी पुलाव ओल ऑल इज well, बेवकूफिया रोमेंस औरंगजेब चश्मे अग्निपथ स्टूडेंट ऑफ दामनी दामनी उन्नीस सौ तिरानवे की राजकुमार संतोष की हिंदी भाषा की फिल्म है इसके मुख्य भूमिका में मीनाक्षी शिशादी और साथ में ऋषि कपूर सन्नी देओल और अमरीश पुरी हैं फिल्म की कहानी है कि एक महिला न्याय के लिए समाज के खिलाफ ऐसे लड़ती है आमिर खान की एक गीत में विशेष उपस्थिति है यह है, फिल्म जारी होने पर सफल रही थी और इसे सबसे अच्छी महिला प्रधान फिल्मों में भी माना जाता है सनी देओल के अभिनय की अपार प्रशंसा हुई है उस उनके संवाद यादगार रहे हैं इस फिल्म के अधिकार अब रेड चिली एंटरटेनमेंट के स्वातत्व में है इस फिल्म के निर्देशक हैं राजकुमार संतोषी निर्माता हैं अली मोरना करीम मुरानी बंटी सूरमा इस फिल्म के लेखक हैं दिलीप शुक्ला और इस फिल्म के जो मुख्य अभिनेता हैं वो हैं मीनाक्षी शिशा सनी देओल ऋषि कपूर कुलभूषण पुरी अनजान श्रीवास्ताव संगीतकार हैं नदीम शर्मा और प्रदर्शन तिथि तीस अप्रैल उन्नीस है यह फिल्म हिंदी भाषा की अपने देश भारत की फिल्म है इस फिल्म का संजीव में वर्णन इस प्रकार है जब अमीर श्री गुप्ता जी का पुत्र शेखर एक छोटे से पहाड़ी शहर में रहता है तो उसे दामनी की सुंदरता और नृत्य मोह लेती है जब वह उससे मिलने जाता है तो वह फैसला करता है कि वह उससे ही शादी करने जा रहा है शेखर अपने पिता आ, को उसके मास्टर पिता चंद्रकांत से मिलने के लिए आ, लाता है श्री गुप्ता दामनी की सरलता और सुंदरता ईमानदारी से प्रभावित हैं और वे शेखर और दामनी के विवाह की मंजूरी देते हैं धूमधाम समारोह में दोनों की शादी मनाई जाती है फिर दामनी शेखर की हवेली जैसे घर में पहुँचती है जहाँ उसे पता चलता है कि शेखर की माँ सुमित्रा अपने बेटे की अमीर श्री बजाज से बजाज की बेटी से शादी करना चाहती थी फिर एक दिन दामिनी शेखर के छोटे भाई राकेश को नौकरानी से छेड़छाड़ करते हुए देखती है और उसे इस बारे में शेखर को सूचित करने के, के लिए जाती है यौन आ, हमले को रोकने के लिए शेखर दौड़ता है लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है उस प्रकार राकेश और उसके तीन मित्र नौकरानी के साथ बलात्कार आ, करते हैं और जो बेहोश होता हो जाती है जब गुप्ता परिवार यह घटना को छुपाने का षडयंत्र करता है लेकिन दामनी इस घटना को अपने दिमाग से बाहर करने में असमर्थ है और आखिर में पुलिस को सूचित करने का फैसला करती है तुरंत गुप्ता परिवार द्वारा उसे बहिष्कृत किया जाता है और घर छोड़ने के लिए कहा जाता है पुलिस राकेश और उसके तीन दोस्तों को गिरफ्तार करती है और मामला अदालत में उठाया जाता है दामनी को गवाही देने के लिए कहा जाता है कहा जाता है उसको गुप्ता परिवार के वकील इंद्रजीत चड्ढा द्वारा मानसिक रूप से अस्थिर व्यक्ति के रूप में चित्रित किया जाता है जिसमें गुप्ता परिवार के लोगों के साथ उसके पिता भी गवाही देते हैं कि दामने की मानसिक संस्था के न्यायिक आदेश से दो हफ्तों तक रखा जाता है संस्था ने उसे मानसिक यातना दी जाती है और वह वहां से भागने में सफल होती है वह गोविंद नाम के शराबी वकील से मिलती है उसके बलात्कार का मामला फिर से खुलवाया तब नौकरानी अस्पताल में मर जाती है और पुलिस आत्महत्या के रूप में उसकी मृत्यु को लिखती है लेकिन गोविंद अनिस्थिर साबित करने में सक्षम है दा। दामनी के लिए अंतिम परीक्षण के रूप में एकमात्र व्यक्ति जो उसका सही स्थान बहाल कर सकता है वो शेखर है लेकिन वह शेखर अपने परिवार के खिलाफ खड़ा हो जाता है और दामनी के पक्ष में गवाही दे सकता है और उसके छोटे भाई को जेल जेल आ, हो सकती है मुख्य कलाकार मीनाक्षी शोषाद्री दामने गुप्ता ऋषि कपूर शेखर गुप्ता सनी देओल गोविंद अमरीशपुरी वकील इंद्रजीत चड्ढा कुलभूषण खरबंदा शेखर के पिता रोहिणी हंटगड़ी शेखर की माता टिन्नू आनंद शेखर के मामा सुलभा आर्य शेखर की आ, मामी अंजाम श्रीवास्तव दामनी के पिता विजेंद्र घटके इंस्पेक्टर कदम पनीष रावल श्री बजाज अविशु खोटे महेश वीरेंद्र सक्सेना वकील आमिर खान गीत दिन सा आ, साजन झूला में संगीत सभी गीत शमीर द्वारा लिखित सारा संगीत नदीम श्रवण द्वारा सूचित है इसके मुख्य शीर्षक बिन साजन झूला झूलू कुमार सानू साधना सरगम जिसकी अवधि छः मिनट सत्रह सेकंड है गवाह है चांद तारे गवाह है कुमार सानू अलका याग्निक छः मिनट उन्नीस सेकेंड कागा तो उड़ गया याग्निक पाँच मिनट सत्रह सेकंड जब से तुमको देखा है कुमार सानू साधना सा, सरगम पाँच मिनट चौदह सेकंड सच्चा आशिक है तो कुमार अलका याग्निक आठ मिनट पच्चीस सेकंड तांडव वाद दो तो मिनट इक्कीस सेकंड परिणाम आ, दामनी घायल और घातक के साथ देओल मीनाक्षी और, और राजकुमार संतोषी की सफल फिल्मों में गिनी जाती है इस फिल्म में मीनाक्षी शेषाद्री को कभी कमार दामिनी भी कहा जाता है और पुरस्कार 1974 फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार राजकुमार संतोषी उन्नीस सौ चौहत्तर फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ शाहक अभिनेता पुरस्कार सनी देओल राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार उन्नीस सौ चौहत्तर सर्वश्रेष्ठ शाहक अभिनेता के रूप में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सनी देओल है जब फिल्म जबरदस्त के सूट पर पूरी यूनिट के सामने आमिर पर महक गए थे अमरीशपुरी बाद में मांगना मांगनी पड़ी थी माफी लेकिन भास्कर बालसू मूल सत्रह जुलाई उन्नीस दो हजार अठारह को पुराना की तबीयन थी सत्रह जुलाई सन दो हजार अठारह दामनी के को स्टार इसकी मुख्य भूमिका निभाने वाली मीनाक्षी शेषाद्री एक भारतीय अभिनेत्री है श्रीमती शेषाद्री का वर्तमान झारखंड प्रांत के सिंदरी नामक शहर में तेरह नवंबर उन्नीस तिरसठ को हुआ था वैसे मीनाक्षी की मूलतः तमिलनाडु से है परंतु उनके पिता सिंदरी के उर्वरक कारखाने में कार्यरत होने के कारण उनका परिवार इसी शहर में बस गया तो उनके पति का नाम मेशोर है मीनाक्षी ने सन उन्नीस सौ में मिस इंडिया बनने के बाद उनके फिल्मी कैरियर की के शुरुआत पहली बार नायिका के तौर पर उन्नीस की हिंदी फिल्म पेंटर बाबू में हुई उनकी फुरमे मुख्य फिल्में इस प्रकार है दो राहे घातक ड्यूट दामनी क्षत्रिय आदमी खिलौना है बड़ी बहन साधना हमला आपात वंडशो हम सगल आज का गुंडा राज पुलिस और मुस्लिम ब्रह्मा ऋषि विश्वामित्र घर परिवार अकेला घायल घर हो तो ऐसा शानदार आवारगी अम्बाजुम प्यार का कर्ज सच्चे का बोलबुला तूफान महादेव जो आग के आग से खेलेंगे बड़े घर की बेटी घराना मोहब्बत का पैगाम नाचे नागिन गली गली तेरी पायल मेरे गीत सहनसा बीस साल बाद मैं तेरे लिए गंगा जमुना सरस्वती विजय इंतकाम औरत तेरी यही कहानी मुकद्दर का फैसला डकैत परिवार इनाम दस हज़ार दहलीज दिलवाला अल्लाह रखा मैं बलवान बेटी रिकी स्वाति आवारा बाप मेरा घर Uh, मेरा घर मेरे बच्चे सत्यमेव जयते मेरी जंग आंधी तूफान लवर बॉय महाशक्तिमान बेवफाई महागुरु मेरा जवाब होशियार पैसा ये पैसा लव मैरिज हीरो पेंटर बाबू दो गुलाब मीनाक्षी शशिधारी हिंदी uh, हिंदी फिल्मों द्वारा जाने जाने वाली एक वह अभिनेत्री है जिसने हिंदी भाषा की फिल्मों में बहुत सी फिल्मों में काम किया है uh, मीनाक्षी शशिधारी की सनी देओल के साथ आ, सनी देओल के साथ लगभग तीन सुपरहिट फिल्में हैं जो कि बॉक्स ऑफिस पर जिन्होंने काफ़ी धमाल मचाया है शनि देओल अजय सिंह देओल फिल्म 19 अक्टूबर 1956 फिल्में फिल्म में सनी देओल के नाम से ही जाना जाता है जो एक भारतीय फिल्म अभिनेता निर्देशक निर्माता और राजनेता है जाट परिवार में जन्मे वर्तमान में पंजाब के गुरदासपुर में लोकसभा सांसद हैं जिन्हें हिंदी सिनेमा में उनके काम के लिए जाना जाता है पैंतीस साल और सौ से अधिक फिल्मों में एक फिल्मी कैरियर में शन्नी देओल ने अपनी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और दो फिल्मी फिल्म पुरस्कार जीते हैं चुनाव क्षेत्र गुरदासपुर जन्म उन्नीस 19 अक्टूबर उन्नीस सौ छप्पन आयु पैंसठ साल सहने वाला पंजाब भारत जन्म का जन्म का नाम अजय सिंह देओल नागरिकता भारतीय राष्ट्रीय या भारतीय राष्ट्र राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी जीवन साथी पूजा देओल बच्चे दो निवास मुंबई महाराष्ट्र भारत व्यवसाय अभिनेता राजनेता निर्देशक उन्होंने अपना डेब्ल्यू अमृता सिंह के साथ बेताब फिल्में किया उनका प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला उसके बाद उन्होंने 1980 और 1990 के दशक में कई सफल फिल्मों में अभिनय किया उन्होंने दिल लगी फिल्म के साथ एक निर्देशक और निर्माता के रूप में अपनी शुरुआत की जिसमें उन्होंने अपने भाई बोबी देओल के साथ अभिनय किया उनके समीक्षकों द्वारा पहचानी गई रचना में मंजिल मंजिल सवेरे वाली गाड़ी सल्तनत डकैत यतीम वीरता इमरान सलाखी और फर्ज 1990 में राजकुमार संतोषी के गंभीर और रूप से सफल घायल में अपने भाई की हत्या के आरोपी एक सोकिया मुक्केबाज के चित्रण के साथ शनि देओल को व्यापक मान्यता तो और प्रशंसा मिली इस फिल्म के साथ फिल्म फेयर अवार्ड जीते और उनके प्रदर्शन में उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर अवार्ड और राष्ट्रीय पुरस्कार स्पेशल जूरी अवार्ड स्पेशल मैंशन प्रदान किया गया फिल्म दामिनी लाइटिंग में उनके एक वकील ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ साख अभिनेता के रूप में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ शाह अभिनेता के रूप में फिल्म फेयर पुरस्कार सहित कई प्रशंसाएं दिलाई अनिल शर्मा की गदर एक प्रेम का था जिनमें सनी देओल ने एक आलोरी ड्राइवर का किरदार निभाया था जिसे एक मुस्लिम लड़की से प्यार हो जाता है जो अपनी रिलीज के समय सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म थी और उन्हें एक और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला शनी की फिल्म फिल्मों में द हीरो लव स्टोरी ऑफ द जासूस अपने अपने यमला पगला दीवाना और घायल अगेन शामिल हैं इन उपलब्धियों में उन्हें हिंदी फिल्म उद्योग के एक प्रमुख अभिनेता के रूप में स्थापित किया गया उन्होंने देओल से शादी की जिनसे उनके दो बेटे हैं शनि देओल तेईस सन दो हजार उन्नीस से गुरदासपुर पंजाब में भाजपा के सांसद भी हैं सनी का जन्म उन्नीस 19 अक्टूबर उन्नीस सौ छप्पन में शहनीवाल लुधियाना पंजाब में हुआ था सनी की माओ श्री धर्मेंद्र की पहली पत्नी का नाम प्रकाश कौर है अभिनेता बोबी देओल विजेता विजेता देओल अजिता देओल आहाना देओल और ईशा देओल सनी के भाई बहन हैं फिल्मी सफर सनी देओल ने काफ़ी फिल्मों में अभिनय किया है उनकी पहली फिल्म फिल्म बेताब थी जो उन्नीस में प्रदर्शित हुई थी सन 2016 में संभवतः फरवरी माह में उनकी घायल वंस अगेन फिल्म प्रदर्शित हुई थी इस फिल्म को सनी देओल ने खुद ने लिखी थी इस फिल्म को स्वीकृत घायल फिल्म है जो उन्नीस में बनी थी सनी देओल की बॉर्डर तथा गदर इत्यादि फिल्में काफ़ी हिट हुई थी सनी देओल डायलॉग डिलीवरी के लिए भी जाने जाते थे सनी देओल के डायलॉग्स आज भी लोगों के जुगान पर आते रहते हैं फिल्म फेयर पुरस्कार उन्नीस सौ चौरानवे फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ महानेता पुरस्कार दामिनी सन उन्नीस सौ इक्यानवे फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार घायल सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विशेष घायल उन्नीस सौ नब्बे इनके संदर्भ में यह सनी देओल की असली माँ देखे फैमिली के देखे के पिकी देव की, दे की भास्कर सन दो हजार चौदह तेईस अक्टूबर और उनकी दामनी पिक्चर में उनके साथ काम करने वाले ऋषि कपूर 14 सितंबर उन्नीस सौ बावन तीस अप्रैल दो हिंदी फिल्मों के वे अभिनेता थे ऋषि कपूर एक फिल्मी अभिनेता फिल्म निर्माता और निर्देशक थे वह एक बाल कलाकार के रूप में काम कर चुके हैं उन्हें बोबी फिल्म के लिए उन्नीस में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार और साथ ही सन दो में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सहित कई अन्य पुरस्कारों में सम्मानित किया जा चुका है उन्होंने उनकी पहली फिल्म मेरा नाम जोकर में बाल कलाकार के रूप में शानदार भूमिका के लिए 1970 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त किया उनका जन्म 4 सितंबर उन्नीस मुंबई महाराष्ट्र भारत में हुआ उनकी मृत्यु तीस अप्रैल सन दो उम्र सड़सठ साल व्यवसाय अभिनेता निर्माता निर्देशक कार्यकाल 1970 सौ सत्तर सन दो नीतू सिंह और उनकी शादी 1980 में उनके दो बच्चे हैं रधिमा कपूर और रणधीर कपूर उन्होंने उन्नीस सौ और सन दो के बीच बानवे फिल्मों में रोमांटिक लीड से मुख्य भूमिकाएं निभाई दो धुनी चार में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सन दो हज़ार का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में फिल्मफेयर क्रिएटक्स पुरस्कार आ दिया गया और कपूर एंड सन्स में अपनी भूमिका के लिए उन्होंने सन दो का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में फिल्मफेयर पुरस्कार जीता उन्नीस सन दो हजार आठ में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड में सम्मानित किया गया वह उन्नीस सौ तिहत्तर से उन्नीस सौ इक्यासी के बीच बारह फिल्मों में अपनी पत्नी नीतू सिंह के साथ दिखाए गए हैं तीस अप्रैल सन दो हजार बीस को अस्थि मेरु कैंसर के, के कारण आई परेशानी से उनकी सड़सठ वर्ष की आयु में ही मृत्यु हो गई कपूर का जन्म पंजाब के परिवार में मुंबई के चेंबूर में हुआ था वह विख्यात अभिनेता फिल्म निर्देशक राज कपूर के पुत्र और अभिनेता पृथ्वीराज कपूर के पोते थे उन्होंने कैंपियन के, स्कूल मुंबई में मेयर कॉलेज जसमेर में अपने भाइयों के साथ अपनी स्कूली शिक्षा की उनके भाई रणधीर कपूर और राजीव कपूर मामा प्रेमनाथ और राजेंद्रनाथ और चाचा शशि कपूर और समीर कपूर सभी अभिनेता हैं ऋषि कपूर सुरगीर राज कपूर के बेटे और पृथ्वीराज कपूर के पोते हैं परंपरा के अनुसार उन्होंने भी अपने दादा और पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए फिल्मों में अभिनय किया और वह एक सफल अभिनेता के रूप में उभर कर आए मेरा नाम जोकर उनकी पहली फिल्म थी जिसमें उन्होंने अपने पिता के बचपन का रोल किया था बतौर मुख्य अभिनेता के रूप में उनकी पहली फिल्म बॉबी थी जिसमें उनके साथ डिंपल कपाड़िया भी दिखाई दी ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी 22 जनवरी 1980 में हुई थी ऋषि कपूर के दो संतानें हैं रणधीर कपूर जो कि एक अभिनेता और रिधिमा कपूर जो कि ड्रेस डिजाइनर है करिश्मा कपूर और करीना कपूर उनकी भतीजिया हैं ऋषि कपूर उनकी सो अपने सोशल मीडिया पर उनकी टिप्पणी के लिए विवादों में रही है वर्ष सन दो हजार अट्ठारह में उन्हें कैंसर का पता चला था उनके बाद लगभग एक वर्ष तक न्यूयॉर्क में उनका इलाज चला था तत्पश्चात भारत वापसी के बाद वे सार्वजनिक तौर पर बहुत कम देखे जाने लगे थे इस बीच इनका इलाज चलता रहा दो वर्षों तक चली पीड़ा के कारण ऋषि कपूर की तीस अप्रैल दो में अस्थि मेरू कैंसर के कारण आई जटिलता से मुंबई के सड़सठ वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई अपने अंतिम समय मुंबई के एच एन रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल में भर्ती थे इस बीच वे अपनी फिल्म शर्माजी नमकीन की शूटिंग भी कर रहे थे उनकी मुख्य फिल्में मैंटो मुक कपूर सनमरे वैंडी पुलाव ओल ऑल इज well, बेवकूफिया रोमेंस बेशर्म डिडे औरंगजेब चश्मे अग्निपथ स्टूडेंट ऑफ दामनी दामनी उन्नीस सौ तिरानवे की राजकुमार संतोष की हिंदी भाषा की फिल्म है इसके मुख्य भूमिका में मीनाक्षी शिशादी और साथ में ऋषि कपूर सन्नी देओल और अमरीश पुरी हैं फिल्म की कहानी है कि एक महिला न्याय के लिए समाज के खिलाफ ऐसे लड़ती है आमिर खान की एक गीत में विशेष उपस्थिति है यह है। फिल्म जारी होने पर सफल रही थी और इसे सबसे अच्छी महिला प्रधान फिल्मों में भी माना जाता है सनी देओल के अभिनय की अपार प्रशंसा हुई है उस, उनके संवाद यादगार रहे हैं इस फिल्म के अधिकार अब रेड चिली एंटरटेनमेंट के स्वातित्व में है इस फिल्म के निर्देशक हैं राजकुमार संतोषी निर्माता हैं अली मोरना करीम मुरानी बंटी सूरमा इस फिल्म के लेखक हैं दिलीप शुक्ला और इस फिल्म के जो मुख्य अभिनेता हैं वो हैं मीनाक्षी शिशा सनी देओल ऋषि कपूर कुलभूषण खरबंदा पुरी अनजान श्रीवास्ताव संगीतकार हैं नदीम शर्वन और प्रदर्शन तिथि तीस अप्रैल उन्नीस सौ तिरानवे है यह फिल्म हिंदी भाषा की अपने देश भारत की फिल्म है इस फिल्म का संजीव में वर्णन इस प्रकार है जब अमीर श्री गुप्ता जी का पुत्र शेखर एक छोटे से पहाड़ी शहर में रहता है तो उसे दामनी की सुंदरता और नृत्य मोह लेती है जब वह उससे मिलने जाता है तो वह फैसला करता है कि वह उससे ही शादी करने जा रहा है शेखर अपने पिता आ, को उसके मास्टर पिता चंद्रकांत से मिलने के लिए आ, लाता है श्री गुप्ता दामनी की सरलता और सुंदरता ईमानदारी से प्रभावित हैं और वे शेखर और दामनी के विवाह की मंजूरी देते हैं धूमधाम समारोह में दोनों की शादी मनाई जाती है फिर दामनी शेखर की हवेली जैसे घर में पहुँचती है जहाँ उसे पता चलता है कि शेखर की माँ सुमित्रा अपने बेटे की अमीर श्री बजाज से बजाज की बेटी से शादी करना चाहती थी फिर एक दिन दामिनी शेखर के छोटे भाई राकेश को नौकरानी से छेड़छाड़ करते हुए देखती है और उसे इस बारे में शेखर को सूचित करने के, के लिए जाती है यौन हमले को रोकने के लिए शेखर दौड़ता है लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है उस प्रकार राकेश और उसके तीन मित्र नौकरानी के साथ बलात्कार करते हैं और जो बेहोश होता हो जाती है जब गुप्ता परिवार यह घटना को छुपाने का षडयंत्र करता है लेकिन दामनी इस घटना को अपने दिमाग से बाहर करने में असमर्थ है और आखिर में पुलिस को सूचित करने का फैसला करती है तुरंत गुप्ता परिवार द्वारा उसे बहिष्कृत किया जाता है और घर छोड़ने के लिए कहा जाता है पुलिस राकेश और उसके तीन दोस्तों को गिरफ्तार करती है और मामला अदालत में उठाया जाता है दामनिक को गवाही देने के लिए कहा जाता है आ, कहा जाता है उसको गुप्ता परिवार के वकील इंद्रजीत चड्ढा द्वारा मानसिक रूप से अस्थिर व्यक्ति के रूप में चित्रित किया जाता है जिसमें गुप्ता परिवार के लोगों के साथ उसके पिता भी गवाही देते हैं कि दामने की मानसिक संस्था के न्यायिक आदेश से दो हफ्तों तक रखा जाता है संस्था ने उसे मानसिक यातना दी जाती है और वह वहाँ से भागने में सफल होती है वह गोविंद नाम के शराबी वकील से मिलती हैं उसके बलात्कार का मामला फिर से खुलवाया तब नौकरानी अस्पताल में मर जाती है और पुलिस आत्महत्या के रूप में उसकी मृत्यु को लिखती है लेकिन गोविंद अनिश्चय साबित करने में सक्षम है दाम दामनी के लिए अंतिम परीक्षण के रूप में एकमात्र मृत्यु जो उसका सही स्थान बहाल कर सकता है वो शेखर है लेकिन वह शेखर अपने परिवार के खिलाफ खड़ा हो जाता है वो दामनी के पक्ष में गवाही दे सकता है और उसके छोटे भाई को जेल जेल हो सकती है मुख्य कलाकार मीनाक्षी शोशाद्री दामनी गुप्ता ऋषि कपूर शेखर गुप्ता सनी देव और गोविंद अमरीशपुरी वकील इंद्रजीत चड्ढा कुलभूषण खरबंदा शेखर के पिता रोहनी हंटगड़ी शेखर की माता टिन्नू आनंद शेखर के मामा सुलभा आर्य शेखर की आ, मामी अंजाम श्रीवास्तव दामनी के पिता विजेंद्र घटके इंस्पेक्टर कदम पनीष रावल श्री बजाज अविशु खोटे महेश वीरेंद्र सक्सेना वकील आमिर खान गीत दिन सा आ, साजन झूला में संगीत सभी गीत शमी द्वारा लिखित सारा संगीत नदीम शिगुन द्वारा सूचित है इसके मुख्य शीर्षक बिन साजन झूला झूलू कुमार सानू साधना सरगम जिसकी अवधि छः मिनट सत्रह सेकंड है गवाह है चांद तारे गवाह हैं कुमार सानू अलका याग्निक छः मिनट उन्नीस सेकंड कागा तो उड़ गया अल्कायाग्निक पाँच मिनट सत्रह सेकंड जब से तुमको देखा है कुमार सानू साधना सरगम पाँच मिनट चौदह सेकंड सच्चा आशिक है तो कुमार अलका याग्निक आठ मिनट पच्चीस सेकंड तांडव वाद देगी तो मिनट इक्कीस सेकंड परिणाम दामिनी घायल और घातक के साथ देओल मीनाक्षी और, और राजकुमार संतोषी की सफल फिल्मों में गिनी जाती है इस फिल्म में मीनाक्षी शेषाद्री को कभी कमार दामिनी भी कहा जाता है दामांकरण पुरस्कार 1974 फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार राजकुमार संतोषी और उन्नीस सौ चौहत्तर फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ शाहक अभिनेता पुरस्कार सनी देओल राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार उन्नीस सौ चौहत्तर सर्वश्रेष्ठ शाहक अभिनेता के रूप में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सनी देओल है जब फिल्म जबरदस्त के सूट पर पूरी यूनिट के सामने आमिर पर महक गए थे अमरीशपुरी बाद में मांगना मांगनी पड़ी थी माफी लेकिन भास्कर बाजू मूल सत्रह जुलाई उन्नीस दो हजार अठारह को पुराले की तबीगमती थी सत्रह जुलाई सन दो हजार अठारह दामनी के को स्टार इसकी मुख्य भूमिका निभाने वाली मीनाक्षी शेषाद्री एक भारतीय अभिनेत्री है श्रीमती शेषाद्री का वर्तमान झारखंड प्रांत के सिंदरी नामक शहर में तेरह नवंबर उन्नीस तिरसठ को हुआ था वैसे मीनाक्षी की मूलतः तमिलनाडु से है परंतु उनके पिता सिंदरी के उर्वरक कारखाने में कार्यरत होने के कारण उनका परिवार इसी शहर में बस गया तो उनके पति का नाम मेशोर है मीनाक्षी ने सन उन्नीस में मिस इंडिया बनने के बाद उनके फिल्मी कैरियर की शुरुआत पहली बार नायिका के तौर पर उन्नीस की हिंदी फिल्म पेंटर बाबू में हुई उनकी फिल्में मुख्य फिल्में इस प्रकार है दो राहे घातक ड्यूट दामनी दाम आदमी खिलौना है बड़ी बहन साधना हमला आपात आज का पुलिस और मुस्लिम ब्रह्मा ऋषि विश्वामित्र घर परिवार अकेला घायल घर हो तो ऐसा शानदार आवारगी अम्बाजुम प्यार का कर्ज सच्चे का बोलबुला तूफान महादेव जो सिले आग के आग से खेलेंगे बड़े घर की बेटी घराना मोहब्बत का पैगाम नाचे नागिन गली गली तेरी पायल मेरे गीत सहनसा बीस साल बाद मैं तेरे लिए गंगा जमुना सरस्वती विजय इंतकाम औरत तेरी यही कहानी मुकद्दर का फैसला डकैत परिवार इनाम दस हज़ार दहलीज दिलवाला अल्लाह रखा मैं बलवान बेटी रिकी स्वाति आवारा बाप मेरा घर Uh, मेरा घर मेरे बच्चे सत्यमेव जयते मेरी जंग आंधी तूफान लवर बॉय महाशक्तिमान बेवफाई महागुरु मेरा जवाब होशियार पैसा ये पैसा लव मैरिज हीरो पैंटर बाबू दो गुलाब मीनाक्षी शशिधारी हिंदी uh, हिंदी फिल्मों द्वारा जाने जाने वाली एक वह अभिनेत्री है जिसने हिंदी भाषा की फिल्मों में बहुत सी फिल्मों में काम किया है uh, मीनाक्षी शशिधारी की सनी देओल के साथ आ, सनी देओल के साथ लगभग तीन सुपरहिट फिल्में हैं जो कि बॉक्स ऑफिस पर जिन्होंने काफ़ी धमाल मचाया है शनि देओल अजय सिंह देओल फिल्म 19 अक्टूबर 1956 फिल्म फिल्में सनी देओल के नाम से ही जाना जाता है जो एक भारतीय फिल्म अभिनेता निर्देशक निर्माता और राजनेता है जाट परिवार में जन्मे वर्तमान में पंजाब के गुरदासपुर में लोकसभा सांसद हैं जिन्हें हिंदी सिनेमा में उनके काम के लिए जाना जाता है पैंतीस साल और सौ से अधिक फिल्मों में एक फिल्मी कैरियर में सन आ, शन्नी देओल ने अपनी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और दो फिल्मी, फिल्म पुरस्कार जीते हैं चुनाव क्षेत्र गुरदासपुर जन्म उन्नीस अक्टूबर उन्नीस सौ छप्पनवे पैंसठ साल सहने वाला पंजाब भारत जन्म का जन्म का नाम अजय सिंह देओल नागरिकता भारतीय राष्ट्रीय या भारतीय राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी जीवन साथी पूजा देओल बच्चे दो निवास मुंबई महाराष्ट्र भारत व्यवसाय अभिनेता राजनेता निर्देशक उन्होंने अपना डब्ल्यू अमृता सिंह के साथ बेताब फिल्में किया उनका प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला उसके बाद उन्होंने 1980 उन्हों और 1990 के दशक में कई सफल फिल्मों में अभिनय किया उन्होंने दिल लगी फिल्म के साथ एक निर्देशक और निर्माता के रूप में अपनी शुरुआत की जिसमें उन्होंने अपने भाई बोबी देओल के साथ अभिनय किया उनके समीक्षकों द्वारा पहचानी गई रचना में मंजिल मंजिल सवेरे वाली गाड़ी सल्तनत डकैत यतीम वीरता इमरान सलाखी उर्फ फर्ज उन्नीस में राजकुमार संतोषी के गंभीर व्यवसायिक रूप से सफल घायल में अपने भाई की हत्या के आरोपी एक सोकिया मुक्केबाज के चित्रण के साथ शनि देओल को व्यापक मान्यता तो और प्रशंसा मिली इस फिल्म के साथ फेयर अवार्ड जीते और उनके प्रदर्शन में उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर अवार्ड और राष्ट्रीय पुरस्कार स्पेशल जूरी अवार्ड स्पेशल मैंशन प्रदान किया गया फिल्म दामिनी लाइटिंग में उनके एक वकील ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ साख अभिनेता के रूप में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ शाह अभिनेता के रूप में फिल्म फेयर पुरस्कार सहित कई प्रशंसाएं दिलाई अनिल शर्मा की गदर एक प्रेम का था जिनमें सनी देओल ने एक आलोरी ड्राइवर का किरदार निभाया था जिसे एक मुस्लिम लड़की से प्यार हो जाता है जो अपनी रिलीज के समय सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म थी और उन्हें एक और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला शनी की फिल्म फिल्मों में द हीरो लव स्टोरी ऑफ द जासूस अपने अपने यमला पगला दीवाना और घायल वंस अगेन शामिल हैं इन उपलब्धियों में उन्हें हिंदी फिल्म उद्योग के एक प्रमुख अभिनेता के रूप में स्थापित किया गया उन्होंने पूजा देओल से शादी की जिनसे उनके दो बेटे हैं शनी देओल तेईस मई उन्नीस सन दो हजार उन्नीस से गुरदासपुर पंजाब में भाजपा के सांसद भी हैं सनी का जन्म 19 अक्टूबर 1956 में छप्पन में लुधियाना पंजाब में हुआ था सनी की माओ श्री धर्मेंद्र की पहली पत्नी का नाम प्रकाश कौर है अभिनेता बोबी देओल विजेता विजेता देओल अजिता देओल आहाना देओल और ईशा देओल सनी के भाई बहन हैं फिल्मी सफर सनी देओल ने काफ़ी फिल्मों में अभिनय किया है उनकी पहली फिल्म फिल्म बेताब थी जो उन्नीस में प्रदर्शित हुई थी सन 2016 में संभवतः फरवरी माह में उनकी घायल वंस अगेन फिल्म प्रदर्शित हुई थी इस फिल्म को सनी देओल ने खुद ने लिखी थी इस फिल्म को स्वीकृत घायल फिल्म है जो उन्नीस में बनी थी सनी देओल की बॉर्डर तथा गदर इत्यादि फिल्में काफ़ी हिट हुई थी सनी देओल डायलॉग डिलीवरी के लिए भी जाने जाते थे सनी देओल के डायलॉग्स आज भी लोगों के जुगान पर आते रहते हैं फिल्म फेयर पुरस्कार उन्नीस सौ चौरानवे फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ महानेता पुरस्कार दामिनी सन उन्नीस सौ इक्यानवे फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार घायल सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विशेष घायल उन्नीस सौ नब्बे इनके संदर्भ में यह सनी देओल की असली माँ देखे फैमिली के देखे अंधे के पिकी दे की भास्कर सन दो हजार चौदह तेईस अक्टूबर और उनकी दामनी पिक्चर में उनके साथ काम करने वाले ऋषि कपूर 14 सितंबर उन्नीस सौ बावन तीस अप्रैल दो हिंदी फिल्मों के वे अभिनेता थे ऋषि कपूर एक फिल्मी अभिनेता फिल्म निर्माता और निर्देशक थे वह एक बाल कलाकार के रूप में काम कर चुके हैं उन्हें बोबी फिल्म के लिए उन्नीस सौ चौहत्तर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार और साथ ही सन दो हज़ार आठ में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सहित कई अन्य पुरस्कारों में सम्मानित किया जा चुका है उन्होंने उनकी पहली फिल्म मेरा नाम जोकर में बाल कलाकार के रूप में शानदार भूमिका के लिए 1970 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त किया उनका जन्म 4 सितंबर उन्नीस मुंबई महाराष्ट्र भारत में हुआ उनकी मृत्यु तीस अप्रैल सन दो उम्र सड़सठ साल व्यवसाय अभिनेता निर्माता निर्देशक कार्यकाल 1970 सौ सत्तर सन दो नीतू सिंह और उनकी शादी 1980 में उनके दो बच्चे हैं रधिमा कपूर और रणधीर कपूर उन्होंने उन्नीस और सन दो के बीच बानवे फिल्मों में रोमांटिक लीड से मुख्य भूमिकाएं निभाई दो धुनी चार में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सन दो हज़ार का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में फिल्म फेयर क्रिएटक्स पुरस्कार आ दिया गया और कपूर एंड सन्स में अपनी भूमिका के लिए उन्होंने सन दो का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में फिल्म फेयर पुरस्कार जीता उन्हें सन दो में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड में सम्मानित किया गया वह उन्नीस से उन्नीस के बीच बारह फिल्मों में अपनी पत्नी नीतू सिंह के साथ दिखाए गए हैं तीस अप्रैल सन दो बीस को अस्थि मेरू कैंसर के, के कारण आई परेशानी से उनकी सड़सठ वर्ष की आयु में ही मृत्यु हो गई कपूर का जन्म पंजाब के परिवार में मुंबई के चेंबूर में हुआ था वह विख्यात अभिनेता फिल्म निर्देशक राज कपूर के पुत्र और अभिनेता पृथ्वीराज कपूर के पोते थे उन्होंने कैंपियन के, स्कूल मुंबई में मेयर कॉलेज जसमेर में अपने भाइयों के साथ अपनी स्कूली शिक्षा की उनके भाई रणधीर कपूर और राजीव कपूर मामा प्रेमनाथ और राजेंद्रनाथ और चाचा शशि कपूर और सम्मी कपूर सभी अभिनेता हैं ऋषि कपूर सुरगीर राज कपूर के बेटे और पृथ्वीराज कपूर के पोते हैं परंपरा के अनुसार उन्होंने भी अपने दादा और पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए फिल्मों में अभिनय किया और वह एक सफल अभिनेता के रूप में उभर कर आए मेरा नाम जोकर उनकी पहली फिल्म थी जिसमें उन्होंने अपने पिता के बचपन का रोल किया था बतौर मुख्य अभिनेता के रूप में उनकी पहली फिल्म बॉबी थी जिसमें उनके साथ डिंपल कपाड़िया भी दिखाई दी ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी 22 जनवरी 1980 में हुई थी ऋषि कपूर के दो संताने हैं रणधीर कपूर जो कि एक अभिनेता और रिधिमा कपूर जो कि ड्रेस डिजाइनर है करिमा कपूर और करना कपूर उनकी भतीजियां हैं ऋषि कपूर उनकी सो, अपने सोशल मीडिया पर उनकी टिप्पणी के लिए विवादों में रही हैं वर्ष दो हजार अट्ठारह में उन्हें कैंसर का पता चला था उनके बाद लगभग एक वर्ष तक न्यूयॉर्क में उनका इलाज चला था तत्पश्चात भारत वापसी के बाद वे सार्वजनिक तौर पर बहुत कम देखे जाने लगे थे इस बीच इनका इलाज चलता रहा दो वर्षों तक चली पीड़ा के कारण ऋषि कपूर की तीस अप्रैल सन दो में अस्थि मेरु कैंसर के कारण आई जटिलता से मुंबई के सड़सठ वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई अपने अंतिम समय में मुंबई के एच एन रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल में भर्ती थे इस बीच वे अपनी फिल्म शर्माजी नमकीन की शूटिंग भी कर रहे थे उनकी मुख्य फिल्में मैंटो तो, मुक कपूर वी पुलाव ओल ऑल well, बेवकूफिया रोमेंस बेशर्म डिडे चश्मे बदूल अग्निपथ स्टूडेंट ऑफ दामनी दामनी उन्नीस सौ तिरानवे की राजकुमार की हिंदी भाषा की फिल्म है इसके मुख्य भूमिका में मीनाक्षी शिशादी और साथ में ऋषि कपूर सन्नी देओल और अमरीश पुरी हैं फिल्म की कहानी है कि एक महिला न्याय के लिए समाज के खिलाफ ऐसे लड़ती है आमिर खान की एक गीत में विशेष उपस्थिति है यह है, फिल्म जारी होने पर सफल रही थी और इसे सबसे अच्छी महिला प्रधान फिल्मों में भी माना जाता है सनी देओल के अभिनय की अपार प्रशंसा हुई है उस उनके संवाद यादगार रहे हैं इस फिल्म के अधिकार अब रेड चिली एंटरटेनमेंट के स्वातत्व में है इस फिल्म के निर्देशक हैं राजकुमार संतोषी निर्माता हैं अली मोरना करीम मुरानी बंटी सूरमा इस फिल्म के लेखक हैं दिलीप शुक्ला और इस फिल्म के जो मुख्य अभिनेता हैं वो हैं मीनाक्षी शिशा सनी देओल ऋषि कपूर कुलभूषण खरबंदा पुरी अनजान श्रीवास्ताव संगीतकार हैं नदीम शर्वन और प्रदर्शन तिथि तीस अप्रैल उन्नीस है यह फिल्म हिंदी भाषा की अपने देश भारत की फ़िल्म है इस फिल्म का संजीव में वर्णन इस प्रकार है जब अमीर श्री गुप्ता जी का पुत्र शेखर एक छोटे से पहाड़ी शहर में रहता है तो उसे दामनी की सुंदरता और नृत्य मोह लेती है जब वह उससे मिलने जाता है तो वह फैसला करता है कि वह उससे ही शादी करने जा रहा है शेखर अपने पिता आ, को उसके मास्टर पिता चंद्रकांत से मिलने के लिए आ, लाता है श्री गुप्ता दामनी की सरलता और सुंदरता ईमानदारी से प्रभावित हैं और वे शेखर और दामनी के विवाह की मंजूरी देते हैं धूमधाम समारोह में दोनों की शादी मनाई जाती है फिर दामनी शेखर की हवेली जैसे घर में पहुँचती है जहाँ उसे पता चलता है कि शेखर की माँ सुमित्रा अपने बेटे की अमीर श्री बजाज से बजाज की बेटी से शादी करना चाहती थी फिर एक दिन दामिनी शेखर के छोटे भाई राकेश को नौकरानी से छेड़छाड़ करते हुए देखती है और उसे इस बारे में शेखर को सूचित करने के, के लिए जाती है यौन आ, हमले को रोकने के लिए शेखर दौड़ता है लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है उस प्रकार राकेश और उसके तीन मित्र नौकरानी के साथ बलात्कार करते हैं और जो बेहोश होता हो जाती है जब गुप्ता परिवार यह घटना को छुपाने का षडयंत्र करता है लेकिन दामनी इस घटना को अपने दिमाग से बाहर करने में असमर्थ है और आखिर में पुलिस को सूचित करने का फैसला करती है तुरंत गुप्ता परिवार द्वारा उसे बहिष्कृत किया जाता है और घर छोड़ने के लिए कहा जाता है पुलिस राकेश और उसके तीन दोस्तों को गिरफ्तार करती है और मामला अदालत में उठाया जाता है दामनी को गवाही देने के लिए कहा जाता है आ, कहा जाता है उसको गुप्ता परिवार के वकील इंद्रजीत चड्ढा द्वारा मानसिक रूप से अस्थिर व्यक्ति के रूप में चित्रित किया जाता है जिसमें गुप्ता परिवार के लोगों के साथ उसके पिता भी गवाही देते हैं कि दामने की मानसिक संस्था के न्यायिक आदेश से दो हफ्तों तक रखा जाता है संस्था ने उसे मानसिक यातना दी जाती है और वह वहाँ से भागने में सफल होती है वह गोविंद नाम के शराबी वकील से मिलती हैं उसके बलात्कार का मामला फिर से खुलवाया तब नौकरानी अस्पताल में मर जाती है और पुलिस आत्महत्या के रूप में उसकी मृत्यु को लिखती है लेकिन गोविंद अनिस्थय साबित करने में सक्षम है दामनी के लिए अंतिम परीक्षण के रूप में एकमात्र व्यक्ति जो उसका सही स्थान बहाल कर सकता है वो शेखर है लेकिन वह शेखर अपने परिवार के खिलाफ खड़ा हो जाता है वो दामनी के पक्ष में गवाही दे सकता है और उसके छोटे भाई को जेल जेल हो सकती है मुख्य कलाकार मीनाक्षी शोषाद्री दामनी गुप्ता ऋषि कपूर शेखर गुप्ता सनी और गोविंद अमरीशपुरी वकील इंद्रजीत चड्ढा कुलभूषण खरबंदा शेखर के पिता रोहिणी हंटगड़ी शेखर की माता टिन्नू आनंद शेखर के मामा सुलभा आर्य शेखर की आ, मामी अंजाम श्रीवास्तव दामनी के पिता विजेंद्र घटके इंस्पेक्टर कदम पनीष रावल श्री बजाज अविशु खोटे महेश वीरेंद्र सक्सेना वकील आमिर खान गीत दिन सा, आ, साजन झूला में संगीत सभी गीत शमीर द्वारा लिखित सारा संगीत नदीम शिगुन द्वारा सूचित है इसके मुख्य शीर्षक बिन साजन झूला झूलू कुमार सानू साधना सरगम जिसकी अवधि छः मिनट सत्रह सेकंड है गवाह है चांद तारे गवाह है कुमार सानू याग्निक छः मिनट उन्नीस सेकंड कागा तो उड़ गया अल्कायाग्निक पाँच मिनट सत्रह सेकंड जब से तुमको देखा है कुमार सानू साधना सरगम पाँच मिनट चौदह सेकंड सच्चा आशिक है तो कुमार अलका याग्निक आठ मिनट पच्चीस सेकंड तांडव वाद देगी दो तो मिनट इक्कीस सेकंड परिणाम दामिनी घायल और घातक के साथ देओल मीनाक्षी और, और राजकुमार संतोषी की सफल फिल्मों में गिनी जाती है इस फिल्म में मीनाक्षी शेषाद्री को कभी कमार दामिनी भी कहा जाता है दामांकन और पुरस्कार उन्नीस सौ चौहत्तर फिल्म फेयर सर्श्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार राजकुमार संतोषी और उन्नीस सौ चौहत्तर फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ शाहक अभिनेता पुरस्कार सनी देओल राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार उन्नीस सौ चौहत्तर सर्वश्रेष्ठ शाहक अभिनेता के रूप में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सनी देओल है जब फिल्म जबरदस्त के सूट पर पूरी यूनिट के सामने आमिर पर महक गए थे अमरीश पूरी बाद में मांगना मांगनी पड़ी थी माफी लेकिन भास्कर जून मूल सत्रह जुलाई दो हज़ार अठारह को पुराना की तभी घूमती थी सत्रह जुलाई सन दो हजार अठारह दामनी के को स्टार इसकी मुख्य भूमिका निभाने वाली मीनाक्षी शेषाद्री एक भारतीय अभिनेत्री है श्रीमती शेषाद्री का वर्तमान झारखंड प्रांत के सिंदरी नामक शहर में तेरह नवंबर उन्नीस तिरसठ को हुआ था वैसे मीनाक्षी की मूलतः तमिलनाडु से है परंतु उनके पिता सिंदरी के उर्वरक कारखाने में कार्यरत होने के कारण उनका परिवार इसी शहर में बस गया तो उनके पति का नाम मेशोर है मीनाक्षी ने सन उन्नीस में मिस इंडिया बनने के बाद उनके फिल्मी कैरियर की के शुरुआत पहली बार नायिका के तौर पर उन्नीस की हिंदी फिल्म पेंटर बाबू में हुई उनकी फिल्में मुख्य फिल्में इस प्रकार हैं दो राही घातक ड्यूट दामनी क्षत्रिय आदमी खिलौना है बड़ी बहन साधना हमला आपात वंडाशु हमसगल आज का गुंडा राज पुलिस और मुस्लिम ब्रह्मा ऋषि विश्वामित्र घर परिवार अकेला घायल घर हो तो ऐसा शानदार आवारगी अंबाजू प्यार का कर्ज सच्चे का बोल बुला तूफान महादेव जोशीले आग के आग से खेलेंगे बड़े घर की बेटी घराना मोहब्बत का पैगाम नाचे नागिन गली गली आ, तेरी पायल मेरे गीत सहनसा बीस साल बाद मैं तेरे लिए गंगा जमुना सरस्वती विजय इंतकाम औरत तेरी यही कहानी मुकद्दर का फैसला डकैत परिवार इनाम दस हज़ार दहलीज दिलवाला अल्लाह रखा मैं बलवान बेटी रिकी स्वाति आवारा बाप मेरा घर Uh, मेरा घर मेरे बच्चे सत्यमेव जयते मेरी जंग आंधी तूफान लवर बॉय महाशक्तिमान बेवफाई महागुरु मेरा जवाब होशियार पैसा ये पैसा लव मैरिज हीरो पेंटर बाबू दो गुलाब मीनाक्षी शशिधारी हिंदी uh, हिंदी फिल्मों द्वारा जाने जाने वाली एक वह अभिनेत्री है जिसने हिंदी भाषा की फिल्मों में बहुत सी फिल्मों में काम किया है uh, मीनाक्षी शशिधारी की सनी देओल के साथ आ, सनी देओल के साथ लगभग तीन सुपरहिट फिल्में हैं जो कि बॉक्स ऑफिस पर जिन्होंने काफ़ी धमाल मचाया है शनि देओल अजय सिंह देओल फिल्म 19 अक्टूबर 1956 फिल्म फिल्में सनी देओल के नाम से ही जाना जाता है जो एक भारतीय फिल्म अभिनेता निर्देशक निर्माता और राजनेता है जाट परिवार में जन्मे वर्तमान में पंजाब के गुरदासपुर में लोकसभा सांसद हैं जिन्हें हिंदी सिनेमा में उनके काम के लिए जाना जाता है पैंतीस साल और सौ से अधिक फिल्मों में एक फिल्मी कैरियर में सन आ, शन्नी देओल ने अपनी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और दो फिल्मी, फिल्म पुरस्कार जीते हैं चुनाव क्षेत्र गुरदासपुर जन्म 19 अक्टूबर उन्नीस सौ 65 पैंसठ साल सहने वाला पंजाब भारत जन्म का जन्म का नाम अजय सिंह देओल नागरिकता भारतीय राष्ट्रीय या भारतीय राष्ट्र राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी जीवन साथी पूजा देओल बच्चे दो निवास मुंबई महाराष्ट्र भारत व्यवसाय अभिनेता राजनेता निर्देशक उन्होंने अपना डेब्ल्यू अमृता सिंह के साथ बेताब फिल्म में किया उनका प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला उसके बाद उन्होंने 1980 उन्हों और 1990 के दशक में कई सफल फिल्मों में अभिनय किया उन्होंने दिल लगी फिल्म के साथ एक निर्देशक और निर्माता के रूप में अपनी शुरुआत की जिसमें उन्होंने अपने भाई बोबी देओल के साथ अभिनय किया उनके समीक्षकों द्वारा पहचानी गई रचना में मंजिल मंजिल सवेरे वाली गाड़ी सल्तनत डकैत यतीम वीरता इमरान सलाखी और फर्ज 1990 में राजकुमार संतोषी के गंभीर व्यवसायिक रूप से सफल घायल में अपने भाई की हत्या के आरोपी एक सोकिया मुक्केबाज के चित्रण के साथ शनि देओल को व्यापक मान्यता तो और प्रशंसा मिली इस फिल्म के साथ फेयर अवार्ड जीते और उनके प्रदर्शन में उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर अवार्ड और राष्ट्रीय पुरस्कार स्पेशल जूरी अवार्ड स्पेशल मैंशन प्रदान किया गया फिल्म दामिनी लाइटिंग में उनके एक वकील ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ साख अभिनेता के रूप में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ शाहक अभिनेता के रूप में फिल्म फेयर पुरस्कार सहित कई प्रशंसाएं दिलाई अनिल शर्मा की गदर एक प्रेम का था जिनमें सनी देओल ने एक आलोरी ड्राइवर का किरदार निभाया था जिसे एक मुस्लिम लड़की से प्यार हो जाता है जो अपनी रिलीज के समय सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म थी और उन्हें एक और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला शनी की फिल्म फिल्मों में द हीरो लव स्टोरी ऑफ द जासूस अपने अपने यमला पगला दीवाना और घायल वंस अगेन शामिल हैं इन उपलब्धियों में उन्हें हिंदी फिल्म उद्योग के एक प्रमुख अभिनेता के रूप में स्थापित किया गया उन्होंने पूजा देओल से शादी की जिनसे उनके दो बेटे हैं शनी देओल तेईस मई उन्नीस सन दो हजार उन्नीस से गुरदासपुर पंजाब में भाजपा के सांसद भी हैं सनी का जन्म 19 अक्टूबर 1956 में सह में लुधियाना पंजाब में हुआ था सनी की माओ श्री धर्मेंद्र की पहली पत्नी का नाम प्रकाश कौर है अभिनेता बोबी देओल विजेता विजेता देओल अजिता देओल आहाना देओल और ईशा देओल सनी के भाई बहन हैं फिल्मी सफ़र सनी देओल ने काफ़ी फिल्मों में अभिनय किया है उनकी पहली फिल्म फिल्म बेताब थी जो उन्नीस में प्रदर्शित हुई थी सन 2016 में संभवतः फरवरी माह में उनकी घायल वंस अगेन फिल्म प्रदर्शित हुई थी इस फिल्म को सनी देओल ने खुद ने लिखी थी इस फिल्म को श्वीकृ घायल फिल्म है जो उन्नीस में बनी थी सनी देओल की बॉर्डर तथा गदर इत्यादि फिल्में काफ़ी हिट हुई थी सनी देओल डायलॉग डिलीवरी के लिए भी जाने जाते थे सनी देओल के डायलॉग्स आज भी लोगों के जुगान पर आते रहते हैं फिल्म फेयर पुरस्कार उन्नीस सौ फिल्म फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ महानेता पुरस्कार दामनी सन उन्नीस सौ इक्यानवे फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार घायल सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विशेष घायल उन्नीस सौ नब्बे इनके संदर्भ में यह सनी देओल की असली माँ देखे फैमिली के देखे अंधे के पिकी दे की भास्कर सन दो हजार चौदह तेईस अक्टूबर और उनकी दामनी पिक्चर में उनके साथ काम करने वाले ऋषि कपूर 14 सितंबर उन्नीस सौ बावन तीस अप्रैल दो हिंदी फिल्मों के वे अभिनेता थे ऋषि कपूर एक फिल्मी अभिनेता फिल्म निर्माता और निर्देशक थे वह एक बाल कलाकार के रूप में काम कर चुके हैं उन्हें बोबी फिल्म के लिए उन्नीस सौ चौहत्तर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार और साथ ही सन दो हज़ार आठ में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सहित कई अन्य पुरस्कारों में सम्मानित किया जा चुका है उन्होंने उनकी पहली फिल्म मेरा नाम जोकर में बाल कलाकार के रूप में शानदार भूमिका के लिए 1970 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त किया उनका जन्म 4 सितंबर उन्नीस मुंबई महाराष्ट्रीय भारत में हुआ उनकी मृत्यु तीस अप्रैल सन दो उम्र सड़सठ साल व्यवसाय अभिनेता निर्माता निर्देशक कार्यकाल 1970 सौ सत्तर सन दो नीतू सिंह और उनकी शादी 1980 में उनके दो बच्चे हैं रद्दिमा कपूर और रणधीर कपूर उन्होंने उन्नीस और सन दो के बीच बानवे फिल्मों में रोमांटिक लीड से मुख्य भूमिकाएं निभाई दो धुनी चार में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सन दो हज़ार का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में फिल्म फेयर क्रिएटक्स पुरस्कार आ दिया गया और कपूर एंड सन्स में अपनी भूमिका के लिए उन्होंने सन दो का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में फिल्म फेयर पुरस्कार जीता उन्हें सन दो में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड में सम्मानित किया गया वह उन्नीस से उन्नीस के बीच बारह फिल्मों में अपनी पत्नी नीतू सिंह के साथ दिखाए गए हैं तीस अप्रैल सन दो बीस को अस्थि मेरू कैंसर के कारण आई परेशानी से उनकी सरसर वर्ष की आयु में ही मृत्यु हो गई कपूर का जन्म पंजाब के परिवार में मुंबई के चेंबूर में हुआ था वह विख्यात अभिनेता फिल्म निर्देशक राज कपूर के पुत्र और अभिनेता पृथ्वीराज कपूर के पोते थे उन्होंने कैंपियन के, स्कूल मुंबई में मेयो कॉलेज उशमेर में अपने भाइयों के साथ अपनी स्कूली शिक्षा की उनके भाई रणधीर कपूर और राजीव कपूर मामा प्रेमनाथ और राजेंद्रनाथ और चाचा शशि कपूर और समीर कपूर सभी अभिनेता हैं ऋषि कपूर सुरगीर राज कपूर के बेटे पृथ्वीराज कपूर के पोते हैं परंपरा के अनुसार उन्होंने भी अपने दादा और पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए फिल्मों में अभिनय किया और वह एक सफल अभिनेता के रूप में उभर कर आए मेरा नाम जोकर उनकी पहली फिल्म थी जिसमें उन्होंने अपने पिता के बचपन का रोल किया था बतौर मुख्य अभिनेता के रूप में उनकी पहली फिल्म बॉबी थी जिसमें उनके साथ डिंपल कपाड़िया भी दिखाई दी ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी 22 जनवरी 1980 में हुई थी ऋषि कपूर के दो संतानें हैं रणधीर कपूर जो कि एक अभिनेता और रिधिमा कपूर जो कि ड्रेस डिजाइनर है करिमा कपूर और करना कपूर उनकी भतीजिया हैं ऋषि कपूर उनकी सो, अपने सोशल मीडिया पर उनकी टिप्पणी के लिए विवादों में रही हैं वर्ष दो हजार अट्ठारह में उन्हें कैंसर का पता चला था उनके बाद लगभग एक वर्ष तक न्यूयॉर्क में उनका इलाज चला था तत्पश्चात भारत वापसी के बाद वे सार्वजनिक तौर पर बहुत कम देखे जाने लगे थे इस बीच इनका इलाज चलता रहा दो वर्षों तक चली पीड़ा के कारण ऋषि कपूर की तीस अप्रैल सन दो में अस्थि मेरु कैंसर के कारण आई जटिलता से मुंबई के सड़सठ वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई अपने अंतिम समय वे मुंबई के एच एन रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल में भर्ती थे इस बीच वे अपनी फिल्म जी नमकीन की शूटिंग भी कर रहे थे उनकी मुख्य फिल्में मैंटो मुक कपूर सन सनमरे वी पुलाव ओल ऑल इज बेवकूफिया रोमेंस बेशर्म डिडे डे और चश्मे बदून अग्निपथ स्टूडेंट ऑफ दामनी दामनी उन्नीस सौ तिरानवे की राजकुमार संतोष की हिंदी भाषा की फिल्म है इसके मुख्य भूमिका में मीनाक्षी शिशादी और साथ में ऋषि कपूर सन्नी देओल और अमरीश पुरी हैं फिल्म की कहानी है कि एक महिला न्याय के लिए समाज के खिलाफ ऐसे लड़ती है आमिर खान की एक गीत में विशेष उपस्थिति है यह है। फिल्म जारी होने पर सफल रही थी और इसे सबसे अच्छी महिला प्रधान फिल्मों में भी माना जाता है सनी देओल के अभिनय की अपार प्रशंसा हुई है उस उनके संवाद यादगार रहे हैं इस फिल्म के अधिकार अब रेड चिली एंटरटेनमेंट के स्वातित्व में है इस फिल्म के निर्देशक राजकुमार संतोषी निर्माता हैं अली मोरना करीम मुरानी बंटी सुरमा इस फिल्म के लेखक हैं दिलीप शुक्ला और इस फिल्म के जो मुख्य अभिनेता हैं वो हैं मीनाक्षी शिशा शशाद्री सनी देओल ऋषि कपूर कुलभूषण खरबंदा पुरी अनजान श्रीवास्ता संगीतकार हैं नदीम शर्वन और प्रदर्शन तिथि तीस अप्रैल उन्नीस है यह फिल्म हिंदी भाषा की अपने देश भारत की फ़िल्म है इस फिल्म का संजीव में वर्णन इस प्रकार है जब अमीर श्री गुप्ता जी का पुत्र शेखर एक छोटे से पहाड़ी शहर में रहता है तो उसे दामनी की सुंदरता और नृत्य मोह लेती है जब वह उससे मिलने जाता है तो वह फैसला करता है कि वह उससे ही शादी करने जा रहा है शेखर अपने पिता आ, को उसके मास्टर पिता चंद्रकांत से मिलने के लिए आ, लाता है श्री गुप्ता दामनी की सरलता और सुंदरता ईमानदारी से प्रभावित हैं और वे शेखर और दामनी के विवाह की मंजूरी देते हैं धूमधाम समारोह में दोनों की शादी मनाई जाती है फिर दामनी शेखर की हवेली जैसे घर में पहुँचती है जहाँ उसे पता चलता है कि शेखर की माँ सुमित्रा अपने बेटे की अमीर श्री बजाज से बजाज की बेटी से शादी करना चाहती थी फिर एक दिन दामिनी शेखर के छोटे भाई राकेश को नौकरानी से छेड़छाड़ करते हुए देखती है और उसे इस बारे में शेखर को सूचित करने के, के लिए जाती है यौन आ, हमले को रोकने के लिए शेखर दौड़ता है लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है उस प्रकार राकेश और उसके तीन मित्र नौकरानी के साथ बलात्कार करते हैं और जो बेहोश होता हो जाती है जब गुप्ता परिवार यह घटना को छुपाने का षडयंत्र करता है लेकिन दामनी इस घटना को अपने दिमाग से बाहर करने में असमर्थ है और आखिर में पुलिस को सूचित करने का फैसला करती है तुरंत गुप्ता परिवार द्वारा उसे बहिष्कृत किया जाता है और घर छोड़ने के लिए कहा जाता है पुलिस राकेश और उसके तीन दोस्तों को गिरफ्तार करती है और मामला अदालत में उठाया जाता है दामनी को गवाही देने के लिए कहा जाता है आ, कहा जाता है उसको गुप्ता परिवार के वकील इंद्रजीत चड्ढा द्वारा मानसिक रूप से अस्थिर व्यक्ति के रूप में चित्रित किया जाता है जिसमें गुप्ता परिवार के लोगों के साथ उसके पिता भी गवाही देते हैं कि दामने की मानसिक संस्था के न्यायिक आदेश से दो हफ्तों तक रखा जाता है संस्था ने उसे मानसिक यातना दी जाती है और वह वहाँ से भागने में सफल होती है वह गोविंद नाम के शराबी वकील से मिलती हैं उसके बलात्कार का मामला फिर से खुलवाया तब नौकरानी अस्पताल में मर जाती है और पुलिस आत्महत्या के रूप में उसकी मृत्यु को लिखती है लेकिन गोविंद अनिश्चय साबित करने में सक्षम है दा। दामनी के लिए अंतिम परीक्षण के रूप में एकमात्र व्यक्ति जो उसका सही स्थान बहाल कर सकता है वो शेखर है लेकिन वह शेखर अपने परिवार के खिलाफ खड़ा हो जाता है वो दामनी के पक्ष में गवाही दे सकता है और उसके छोटे भाई को जेल जेल हो सकती है मुख्य कलाकार मीनाक्षी शोषाद्री दामनी गुप्ता ऋषि कपूर शेखर गुप्ता सनी और गोविंद अमरीशपुरी वकील इंद्रजीत चड्ढा कुलभूषण खरबंदा शेखर के पिता रोहिणी हंटगड़ी शेखर की माता टिन्नू आनंद शेखर के मामा सुलभा आर्य शेखर की आ, मामी अंजाम श्रीवास्तव दामनी के पिता विजेंद्र घटके इंस्पेक्टर कदम परेश रावल श्री बजाज अविशु खोटे महेश वीरेंद्र सक्सेना वकील आमिर खान गीत दिन सा, आ, साजन झूला में संगीत सभी गीत शमी द्वारा लिखित सारा संगीत नदीम शर्वन द्वारा सूचित है इसके मुख्य शीर्षक बिन साजन झूला झूलू कुमार सानू साधना सरगम जिसकी अवधि छः मिनट सत्रह सेकेंड है गवाह है चांद तारे गवाह है कुमार सानू अलका अल्कायाग्निक छः मिनट उन्नीस सेकेंड कागा तो उड़ गया अलका याग्निक पाँच मिनट सत्रह सेकेंड जब से तुमको देखा है कुमार सानू साधना सा... सरगम पाँच मिनट चौदह सेकंड सच्चा आशिक है तो कुमार सानू अलका याग्निक आठ मिनट पच्चीस सेकंड तांडव वाद देगी तो मिनट इक्कीस सेकंड परिणाम दामिनी घायल और घातक के साथ देओल मीनाक्षी और, और राजकुमार संतोषी की सफल फिल्मों में गिनी जाती है इस फिल्म में मीनाक्षी शेषाद्री को कभी कमार दामिनी भी कहा जाता है दामांकन और पुरस्कार 1974 फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार राजकुमार संतोषी और उन्नीस सौ चौहत्तर फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ शाहक अभिनेता पुरस्कार सनी देओल राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार उन्नीस सौ चौहत्तर सर्वश्रेष्ठ शाहक अभिनेता के रूप में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सनी देओल है जब फिल्म जबरदस्त के सूट पर पूरी यूनिट के सामने आमिर पर बह गए थे अमरीश बाद में मांगना मंगनी पड़ी थी माफ़ी लेकिन भास्कर बाजून मूल सत्रह जुलाई उन्नीस दो हजार अठारह को पुराना की तभी गई थी सत्रह जुलाई सन दो हजार अठारह दामनी के को स्टार इसकी मुख्य भूमिका निभाने वाली मीनाक्षी शेषाद्री एक भारतीय अभिनेत्री है श्रीमती शेषाद्री का वर्तमान झारखंड प्रांत के सिंदरी नामक शहर में तेरह नवंबर उन्नीस सौ तिरसठ को हुआ था वैसे मीनाक्षी की मूलतः तमिलनाडु से है परंतु उनके पिता सिंदरी के उर्वरक कारखाने में कार्यरत होने के कारण उनका परिवार इसी शहर में बस गया तो उनके पति का नाम मेशोर है मीनाक्षी ने सन उन्नीस में मिस इंडिया बनने के बाद उनके फिल्मी करियर की के शुरुआत पहली बार नायिका के तौर पर उन्नीस की हिंदी फिल्म पेंटर बाबू में हुई उनकी फुरमे मुख्य फिल्में इस प्रकार है दो राही घातक ड्यूट दामनी क्षत्रिय आदमी खिलौना है बड़ी बहन साधना हमला आपात बंडसू हम सगल आज का गुंडा राज पुलिस और मुस्लिम ब्रह्मा ऋषि विश्वामित्र घर परिवार अकेला घायल घर हो तो ऐसा शानदार आवारगी अम्बाजुर्म प्यार का कर्ज सच्चे का बोलबुला तूफान महादेव जो आग के आग से खेलेंगे बड़े घर की बेटी घराना मोहब्बत का पैगाम नाचे नागिन गली गली आ, तेरी पायल मेरे गीत सहनसा बीस साल बाद मैं तेरे लिए गंगा जमुना सरस्वती विजय इंतकाम औरत तेरी यही कहानी मुकद्दर का फैसला डकैत परिवार इनाम दस हज़ार दहलीज दिलवाला अल्लाह रखा मैं बलवान बेटी रिकी स्वाति आवारा बाप मेरा घर Uh, मेरा घर मेरे बच्चे सत्यमेव जयते मेरी जंग आधी तूफान लवर बॉय महाशक्तिमान बेवफाई महागुरु मेरा जवाब होशियार पैसा ये पैसा लव मैरिज हीरो पेंटर बाबू दो गुलाब मीनाक्षी शशिधारी हिंदी uh, हिंदी फिल्मों द्वारा जाने जाने वाली एक वह अभिनेत्री है जिसने हिंदी भाषा की फिल्मों में बहुत सी फिल्मों में काम किया है uh, मीनाक्षी शशिधारी की सनी देवल के साथ आ, सनी देवल के साथ लगभग तीन सुपरहिट फिल्में हैं जो कि बॉक्स ऑफिस पर जिन्होंने काफ़ी धमाल मचाया है शनि देओल अजय सिंह देओल फिल्म 19 अक्टूबर 1956 सौ छप्पन फिल्म में सनी देओल के नाम से ही जाना जाता है जो एक भारतीय फिल्म अभिनेता निर्देशक निर्माता और राजनेता है जाट परिवार में जन्मे वर्तमान में पंजाब के गुरदासपुर में लोकसभा सांसद हैं जिन्हें हिंदी सिनेमा में उनके काम के लिए जाना जाता है पैंतीस साल और सौ से अधिक फिल्मों में एक फिल्मी कैरियर में सन आ, शन्नी देओल ने अपनी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और दो फिल्मी फिल्म पुरस्कार जीते हैं चुनाव क्षेत्र गुरदासपुर जन्म उन्नीस अक्टूबर उन्नीस सौ छप्पन पैंसठ साल सहने वाला पंजाब भारत जन्म का जन्म का नाम अजय सिंह देओल नागरिकता भारतीय राष्ट्रीय या भारतीय राष्ट्र राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी जीवन साथी पूजा देओल बच्चे दो निवास मुंबई महाराष्ट्र भारत व्यवसाय अभिनेता राजनेता निर्देशक उन्होंने अपना डेब्यू अमृता सिंह के साथ बेताब फिल्में किया उनका प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म पे पुरस्कार मिला उसके बाद उन्होंने उन्नीस सौ अस्सी और उन्नीस सौ नब्बे के दशक में कई सफल फिल्मों में अभिनय किया उन्होंने दिल लगी फिल्म के साथ एक निर्देशक और निर्माता के रूप में अपनी शुरुआत की जिसमें उन्होंने अपने भाई बोबी देओल के साथ अभिनय किया उनके समीक्षकों द्वारा पहचानी गई रचना में मंजिल मंजिल सवेरे वाली गाड़ी सल्तनत डकैत यतीम वीरता इमरान सलाखी और फर्ज 1990 में राजकुमार संतोषी के गंभीर व्यावसायिक रूप से सफल घायल में अपने भाई की हत्या के आरोपी एक सो मुक्केबाज के चित्रण के साथ शनि देओल को व्यापक मान्यता तो और प्रशंसा मिली इस फिल्म के साथ फेयर अवार्ड जीते और उनके प्रदर्शन में उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फेयर अवार्ड और राष्ट्रीय पुरस्कार स्पेशल जूरी अवार्ड स्पेशल मैंशन प्रदान किया गया फिल्म दामिनी लाइटिंग में उनके एक वकील ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ शाह अभिनेता के रूप में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ शाह अभिनेता के रूप में फिल्म फेयर पुरस्कार सहित कई प्रशंसाएं दिलाई अनिल शर्मा की गदर एक प्रेम कथा जिनमें सनी देओल ने एक आलोरी ड्राइवर का किरदार निभाया था जिसे एक मुस्लिम लड़की से प्यार हो जाता है जो अपनी रिलीज के समय सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म थी और उन्हें एक और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला शनि की फिल्म फिल्मों में द हीरो लव स्टोरी ऑफ द जा अपने, अपने यमला पगला दीवाना और घायल वंस अगेन शामिल हैं इन उपलब्धियों में उन्हें हिंदी फिल्म उद्योग के एक प्रमुख अभिनेता के रूप में स्थापित किया गया उन्होंने पूजा देओल से शादी की जिनसे उनके दो बेटे हैं शनि देओल तेईस मई उन्नीस सन दो हजार उन्नीस से गुरदासपुर पंजाब में भाजपा के सांसद भी हैं सनी का जन्म 19 अक्टूबर 1956 में सह शहनीवाल लुधियाना पंजाब में हुआ था सनी की माओ श्री धर्मेंद्र की पहली पत्नी का नाम प्रकाश कौर है अभिनेता बोबी देओल विजेता विजेता देओल अजिता देओल आहाना देओल और ईशा देओल सनी के भाई बहन हैं फिल्मी सफर सनी देओल ने काफ़ी फिल्मों में अभिनय किया है उनकी पहली फिल्म प, आ, फिल्म बेताब थी जो उन्नीस में प्रदर्शित हुई थी सन 2016 में संभवतः फरवरी माह में उनकी घायल वंस अगेन फिल्म प्रदर्शित हुई थी इस फिल्म को सनी देओल ने खुद ने लिखी थी इस फिल्म को श्वीकृण घायल फिल्म है जो उन्नीस में बनी थी सनी देओल की बॉर्डर तथा गदर इत्यादि फिल्में काफ़ी हिट हुई थी सनी देओल डायलॉग डिलीवरी के लिए भी जाने जाते थे सनी देओल के डायलॉग्स आज भी लोगों के जुगान पर आते रहते हैं फिल्म फेयर पुरस्कार उन्नीस सौ तो चौरानवे फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ महानेता पुरस्कार दामनी सन उन्नीस सौ तो इक्यानवे फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार घायल सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विशेष घायल उन्नीस सौ तो नब्बे इनके संदर्भ में यह सनी देओल की असली माँ देखे फैमिली के देखे अंधे के पिकी देखी भास्कर सन दो हज़ार चौदह तेईस अक्टूबर और उनकी दामनी पिक्चर में उनके साथ काम करने वाले ऋषि कपूर चौदह सितंबर उन्नीस सौ बावन तीस अप्रैल दो हज़ार बीस हिंदी फिल्मों के वे अभिनेता थे ऋषि कपूर एक फिल्मी अभिनेता फिल्म निर्माता और निर्देशक थे वह एक बाल कलाकार के रूप में काम कर चुके हैं उन्हें बूबी फिल्म के लिए उन्नीस में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार और साथ ही सन दो में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सहित कई अन्य पुरस्कारों में सम्मानित किया जा चुका है उन्होंने उनकी पहली फिल्म मेरा नाम जोकर में बाल कलाकार के रूप में शानदार भूमिका के लिए 1970 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त किया उनका जन्म चार सितंबर उन्नीस मुंबई महाराष्ट्रीय भारत में हुआ उनकी मृत्यु तीस अप्रैल सन दो उम्र सड़सठ साल व्यवसाय अभिनेता निर्माता निर्देशक कार्यकाल उन्नीस सौ सत्तर सन दो हज़ार बीस जीवनसाथी नीतू सिंह और उनकी शादी उन्नीस सौ अस्सी में उनके दो बच्चे हैं रधिमा कपूर और रणधीर कपूर उन्होंने उन्नीस सौ तिहत्तर और सन दो हजार के बीच बानवे फिल्मों में रोमांटिक लीड से मुख्य भूमिका निभाई दो धुनी चार में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सन दो का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में फिल्म फेयर क्रिएटक्स पुरस्कार आ दिया गया और कपूर एंड सन्स में अपनी भूमिका के लिए उन्होंने सन 2017 का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में फिल्म फेयर पुरस्कार जीता उन्हें सन दो में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड में सम्मानित किया गया वह उन्नीस से उन्नीस के बीच बारह फिल्मों में अपनी पत्नी नीतू सिंह के साथ दिखाए गए हैं तीस अप्रैल सन दो को अस्थि मेरू कैंसर के कारण आई परेशानी से उनकी सड़सठ वर्ष की आयु में ही मृत्यु हो गई कपूर का जन्म पंजाब के परिवार में मुंबई के चेंबूर में हुआ था वह विख्यात अभिनेता फिल्म निर्देशक राज कपूर के पुत्र और अभिनेता पृथ्वीराज कपूर के पोते थे उन्होंने हाँ, कैंपियन स्कूल मुंबई में मेयर कॉलेज जसमेर में अपने भाइयों के साथ अपनी स्कूली शिक्षा की उनके भाई रणधीर कपूर और राजीव कपूर मामा प्रेमनाथ और तो राजेंद्रनाथ और तो चाचा शशि कपूर और समीर कपूर सभी अभिनेता हैं ऋषि कपूर सुरगीर राज कपूर के बेटे पृथ्वीराज कपूर के पोते हैं परंपरा के अनुसार उन्होंने भी अपने दादा और पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए फिल्मों में अभिनय किया और वह एक सफल अभिनेता के रूप में उभर कर आए मेरा नाम जोकर उनकी पहली फिल्म थी जिसमें उन्होंने अपने पिता के बचपन का रोल किया था बतौर मुख्य अभिनेता के रूप में उनकी पहली फिल्म बॉबी थी जिसमें उनके साथ डिंपल कपाड़िया भी दिखाई दी ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी 22 जनवरी 1980 में हुई थी ऋषि कपूर के दो संतानी हैं रणधीर कपूर जो कि एक अभिनेता और रिधिमा कपूर जो कि ड्रेस डिजाइनर है करश्मा कपूर और करना कपूर उनकी भतीजियाँ हैं ऋषि कपूर उनकी सो अपने सोशल मीडिया पर उनकी टिप्पणी के लिए विवादों में रही है वर्ष सन दो हजार अट्ठारह में उन्हें कैंसर का पता चला था उनके बाद लगभग एक वर्ष तक न्यूयॉर्क में उनका इलाज चला था तत्पश्चात भारत वापसी के बाद वे सार्वजनिक तौर पर बहुत कम देखे जाने लगे थे इस बीच इनका इलाज चलता रहा दो वर्षों तक चली पीड़ा के कारण ऋषि कपूर की तीस अप्रैल सन दो में अस्थि मेरू कैंसर के कारण आई जटिलता से मुंबई के सड़सठ वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई अपने अंतिम समय वे मुंबई के एच एन रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल में भर्ती थे इस बीच वे अपनी फिल्म जी नमकीन की शूटिंग भी कर रहे थे उनकी मुख्य फिल्में मैंटो मुक कपूर सन सनमरे वी पुलाव ओल ऑल इज well, बेवकूफिया रोमेंस बेशर्म डिडे और अग्निपथ स्टूडेंट ऑफ दामनी दामनी उन्नीस सौ तिरानवे की राजकुमार संतोष की हिंदी भाषा की फिल्म है इसके मुख्य भूमिका में मीनाक्षी शिशादी और साथ में ऋषि कपूर सन्नी देओल और अमरीश पुरी हैं फिल्म की कहानी है कि एक महिला न्याय के लिए समाज के खिलाफ ऐसे लड़ती है आमिर खान की एक गीत में विशेष उपस्थिति है यह है, फिल्म जारी होने पर सफल रही थी और इसे सबसे अच्छी महिला प्रधान फिल्मों में भी माना जाता है सनी देओल के अभिनय की अपार प्रशंसा हुई है उस उनके संवाद यादगार रहे हैं इस फिल्म के अधिकार अब रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के स्वातत्व में है इस फिल्म के निर्देशक हैं राजकुमार संतोषी निर्माता हैं अली मोरना करीम मुरानी बंटी सूरमा इस फिल्म के लेखक हैं दिलीप शुक्ला और इस फिल्म के जो मुख्य अभिनेता हैं वो हैं मीनाक्षी शिशा, शिशाद्री सनी देओल ऋषि कपूर कुलभूषण पुरी अनजान श्रीवास्ताव संगीतकार हैं नदीम शर्वन और प्रदर्शन तिथि तीस अप्रैल उन्नीस है यह फिल्म हिंदी भाषा की अपने देश भारत की फिल्म है इस फिल्म का संजीव में वर्णन इस प्रकार है जब अमीर श्री गुप्ता जी का पुत्र शेखर एक छोटे से पहाड़ी शहर में रहता है तो उसे दामनी की सुंदरता और नृत्य मोह लेती है जब वह उससे मिलने जाता है तो वह फैसला करता है कि वह उससे ही शादी करने जा रहा है शेखर अपने पिता को उसके मास्टर पिता चंद्रकांत से मिलने के लिए लाता है श्री गुप्ता दामनी की सरलता और सुंदरता ईमानदारी से प्रभावित हैं और वे शेखर और दामनी के विवाह की मंजूरी देते हैं धूमधाम समारोह में दोनों की शादी मनाई जाती है फिर दामनी शेखर की हवेली जैसे घर में पहुँचती है जहाँ उसे पता चलता है कि शेखर की माँ सुमित्रा अपने बेटे की अमीर श्री बजाज से बजाज की बेटी से शादी करना चाहती थी फिर एक दिन दामिनी शेखर के छोटे भाई राकेश को नौकरानी से छेड़छाड़ करते हुए देखती है और उसे इस बारे में शेखर को सूचित करने के, के लिए जाती है यौन आ, हमले को रोकने के लिए शेखर दौड़ता है लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है उस प्रकार राकेश और उसके तीन मित्र नौकरानी के साथ बलात्कार करते हैं और जो बेहोश हो, हो जाती है जब गुप्ता परिवार यह घटना को छुपाने का षडयंत्र करता है लेकिन दामनी इस घटना को अपने दिमाग से बाहर करने में असमर्थ है और आखिर में पुलिस को सूचित करने का फैसला करती है तुरंत गुप्ता परिवार द्वारा उसे बहिष्कृत किया जाता है और घर छोड़ने के लिए कहा जाता है पुलिस राकेश और उसके तीन दोस्तों को गिरफ्तार करती है और मामला अदालत में उठाया जाता है दामनिक को गवाही देने के लिए कहा जाता है आ, कहा जाता है उसको गुप्ता परिवार के वकील इंद्रजीत चड्ढा द्वारा मानसिक रूप से अस्थिर व्यक्ति के रूप में चित्रित किया जाता है जिसमें गुप्ता परिवार के लोगों के साथ उसके पिता भी गवाही देते हैं कि दामनी की मानसिक संस्था के न्यायिक आदेश से दो हफ्तों तक रखा जाता है संस्था ने उसे मानसिक यातना दी जाती है और वह वहाँ से भागने में सफल होती है वह गोविंद नाम के शराबी वकील से मिलती हैं उसके बलात्कार का मामला फिर से खुलवाया तब नौकरानी अस्पताल में मर जाती है और पुलिस आत्महत्या के रूप में उसकी मृत्यु को लिखती है लेकिन गोविंद अनिश्चय साबित करने में सक्षम है दामनी के लिए अंतिम परीक्षण के रूप में एकमात्र व्यक्ति जो उसका सही स्थान बहाल कर आ, सकता है वो शेखर है लेकिन वह शेखर अपने परिवार के खिलाफ खड़ा हो जाता है वो दामनी के पक्ष में गवाही दे सकता है और उसके छोटे भाई को जेल आ, जेल आ, हो सकती है मुख्य कलाकार मीनाक्षी शोशाद्री दामनी गुप्ता ऋषि कपूर शेखर गुप्ता सनी देव और गोविंद अमरीश पुरी वकील इंद्रजीत चड्ढा कुलभूषण खरबंदा शेखर के पिता रोहनी हंटगड़ी शेखर की माता टिन्नू आनंद शेखर के मामा सुलभा आर्य शेखर की आ, मामी अंजाम श्रीवास्तव दामनी के पिता विजेंद्र घट के इंस्पेक्टर कदम परेश रावल श्री बजाज अविशु खोटे महेश वीरेंद्र सक्सेना वकील आमिर खान गीत दिन सा, आ, साजन झूला में संगीत सभी गीत समीर द्वारा लिखित सारा संगीत नदीम शिवन द्वारा सूचित है इसके मुख्य शीर्षक बिन साजन झूला झूलू कुमार सानू साधना सरगम जिसकी अवधि